Funny the bad ball. This is what the cricket is sending a message to everyone. Right outside the off stump. तो अब जो दिक्कत यहाँ पर थी वो इसकी वो आप वो खत्म हो चुकी और अब यहाँ चले 129 रन किया बोर्ड पे 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, लेकिन क्या स्ट्रोक लगाया था भोईमीर के बल्ले से मिड विकेट के, हालांकि स्क्वायर लेग के ऊपर से का एक बार फिर से सामना करेंगे यहाँ पर भोईमीर गेंदबाज गौर और खूबसूरती के साथ गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया है दर्शकों के बीच में, कोई मौका नहीं, एक और छक्का और गेंद को गेंद के आने का इंतजार किया था, अब पीछे गेंद थी और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ और 6 रन खाते में भोईमीर के, 4 गेंदों का सामना किया अब तक 14 और बेहतरीन स्ट्रोक था, देखने के लायक था। एक बार फिर गेंदबाज एक बार फिर खूबसूरती के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर के कवर बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब, विश्वसनीय, अद्भुत बेहतरीन और सफाई के साथ यहां पर स्ट्रोक्स भोईमीर के बल्ले से निकलते हुए। और पहले भी मैंने बातचीत चला तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम स्कोर है और वही आप और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मंजूर पांडे के ऊपर से कोशिश बेहद की थी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर एक बार फिर से लगातार यहां पर स्ट्रोक्स निकलते हुए और इस बार गेंद को यहां पर मंजूर पांडे के बिल्कुल ऊपर से खेला शॉट मिड ऑन पर फील्डिंग करते हुए उसके सर के ऊपर से मंजूर पांडे की बरहक कोशिश, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम, गेम तो 3 बाउंड्रीज आती हुई इस ओवर में। एक बार फिर से और भोईमीर लगातार आक्रमण करते हुए की कोशिश शुरुआत से की जा रही है। 24 रन 1.5 ओवर की गेंदबाजी और ये आप देख लीजिएगा पिछले ओवर का विश्व पांचवी गेंद पर चौका, अंतिम गेंद डॉट थी, तो कुल मिला के 2 ओवर का इख्तिताम 24 रन और यहां पर बोर्ड पे लग चुके अब तक। 115 रन की अभी भी जरूरत है ये मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। यूसीसी छत्रगाम इस मैच में काफी हद तक ड्राइविंग सीट पर इस समय नजर आ रहे हैं, विकेट्स की जरूरत है और यही एक कारण है कि यहां पर जो है वसीम रजा को आप गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा लिया कि काफी ज्यादा अनुभव, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, एक्स रांची प्लेयर है और काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके। ये देखने वाली बात है कि यहां पर वसीम रजा विकेट्स को चटकाने में विकेट्स को चटकाने के माहिर है, क्या आज यहां पर विकेट मिल सकती है कि नहीं। वसीम रजा की पहली गेंद ऑफ साइड पर गेंद को धकेला, रन बनाने का मौका नहीं, एक और डॉट गेंद, 24 रन बोर्ड पे, अभी भी 115 रन की आवश्यकता और 138 अब बहुत कम स्कोर नजर आ रहा है। मैंने जिस तरह से शुरुआत मिली है यूसीसी छत्रगाम को, शुरुआत में ही यहां पर जो है चौकों और छक्कों की बारिश और भोईमीर जिस तरह से पहले भी मैं कह चुका हूं कि उनका बल्ला अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम स्कोर है। 3 खिलाड़ी उसके इस खेमे में ऐसे, अगर उनमें से एक ही बल्लेबाज बेहतर तरीके से आज खेल पाएगा इस बड़े मुकाबले में तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है यकीनी तौर पर यूसीसी छत्रगाम इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर नजर जरूर आएगी। व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए लाइव कवरेज आप तक क्या ठीक पहुंच रही है, क्या आप आसानी से इस मुकाबले का मनोरंजन उठा रहे हैं। इस बीच अंदरूनी अंदर की ओर गेंद आई थी, हल्के हाथ से गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की ओर, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। 2.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हो चुकी है, 25 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान का है। यूसीसी छत्रगाम 145 रनों का पीछा कर रही है। इस बीच पैरों पे गेंद थी, 1 रन और खाते में। भोईमीर
पावर प्ले में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये पावर प्ले खेल गए तो एक तरफा मैच को करेंगे। और वही अगर आप हार्वर्ड टाइटन्स की बात करेंगे, वसीम रजा को अब ट्रंप कार्ड को लेके आए हैं, तो अगर ये विकेट चटका के देंगे टीम को तो फिर बात बन सकती है। अलवी अरशाद बिल्कुल ठीक आ रहा है, थैंक यू। इस बीच एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक है सुहाग स्वीप के अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इससे पहले बोई मीर ने कुछ आपसी स्ट्रोक खेले थे, लेकिन इस बीच शिबीर को जब अपने रिडार में गेंद मिली मिड विकेट के ऊपर से मारा 6 रनों के लिए। शुरुआती 6 रनों में ही अपनी दूरदर्शन साफ करिए। यहाँ पे एक बार फिर से खराब गेंद, तमाचा जड़ गेंद के ऊपर फाइनल की दिशा में एक और चौका। ये तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बिना किसी नुकसान के। अब मात्र 102-103 चाहिए मैच जीतने के लिए। विकेट 10 हाथ में है यूसीसी छत्रगाम के, तो कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ी सी आगे जा चुकी है। जी, पूरी तरह से पलटा बारी और जिस तरह की शुरुआत उन्हें चाहिए थी इस मुकाबले में जो दूसरी पारी का आगाज करने के लिए, वो बिल्कुल अब जो है बहुत अच्छे तरीके से उनको मिला है, सही तरीके से मिला है। और उनका सारा का सारा श्रेय इन दो खिलाड़ी को, शबीर और बोईमीर। बोईमीर जिस तरह से जाने जाते हैं आक्रमण शुरुआत के लिए, और पावर प्ले इस समय ऑन है, पावर प्ले चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा वो फायदा इसी पावर प्ले में उठाना चाहेंगे, क्योंकि बाद में फील्डिंग की रिस्ट्रिक्शन को जो है वो बिल्कुल आप दायरे के बाहर आप फील्डर्स को रख सकते हो 6 ओवर के इख्तिताम के बाद। लेकिन फिलहाल अभी वो मंजिल बहुत दूर है, यहां से ये काम तमाम करने की कोशिश दोनों ही खिलाड़ी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जिस तरह से रन आ रहे, चौकों और छक्कों में बातचीत हो रही है, और ये यूसीसी छत्रगाम के लिए बहुत बेहतर मतलब काम दोनों ही खिलाड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, पहले से ही 20-25 रन कम है। अगर आप हार्वर्ड टाइटन्स की बात करेंगे, 139 की जगह 165 160 होना चाहिए था, लेकिन उस लक्ष्य पर नहीं पहुंची है टीम। तो अब रन उतनी पूंजी में है नहीं कि आप आसानी से गेंदबाजी करेंगे। विकेट चाहिए, एक किफायती गेंदबाजी करनी होगी, तभी जाके आप मैच जीत सकते हैं। राइट हैंड के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये बेहतर विकल्प है, अच्छी सोच है ये कैप्टन की। स्कोर इस समय 36 रन, पारी का चौथा ओवर जारी। यहाँ पे कुछ दृश्य ही बचा सकती है टीम हार्वर्ड टाइटन्स को। एक आधा विकेट चटकाना होगा पावर प्ले में ही, तभी जाके आप काम कर सकते हैं। ऑफसाइड पे पूरी तरह से सभी खिलाड़ियों को ऊपर लेके आए हैं। बैकवर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, अटैकिंग फील्डिंग है स्लिप कॉर्नर पे, हालांकि एक खिलाड़ी अभी भी तैनात है। जाहिद पिच, पैरों पे गेंद थी, फाइनल लेग ऊपर है, आउटफील्ड काफी तेज है, क्या रोक पाएंगे? और गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। रिंकू वहां पे तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया था लेकिन रोकने में विफल रहे, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। हाशिम डार का अभी गेंदबाजी करना बाकी है, अभी तक जो 4 ओवर्स डाले हैं वो 4 गेंदबाजों का उसमें इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता ये कि विकेट चटकाएं, इसलिए गेंदबाजों का जो बदलाव है वो आपको देखने को मिल रहा है। सही सोच है कप्तान की, जिस तरह से जानते हैं कि रन्स आ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर और यहाँ पर एक नया अलग कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिद जिस तरह से पिछले मुकाबले में हमने उनको देखा है 3 विकेट चटका चुके, और कहीं ना कहीं मनोबल उनका बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा, लेकिन आज अलग दिन है, वो अलग दिन था। आज आपको जो उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा तभी आप मैच में वापसी कर सकते हो, करवा सकते हो अपनी टीम को, लेकिन फिलहाल वो दूर की बात दिखाई दे रही है, क्योंकि दो खिलाड़ी बीच मैदान में बहुत 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 बेहतरीन काम करते हो अपनी टीम के लिए। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है हार्वर्ड टाइटन्स के लिए। अगर आप विकेट चटकाएंगे तो मजा आएगा मुकाबले में। इस पे चंद्रुनी किनारा लगातार ऑन साइड के एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं। भोईमीर अभी तक इस पूरे प्रतियोगिता में अच्छी खासी बल्लेबाजी करी है इन्होंने, इनका नाम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में है, तो आज एक बार फिर से फाइनल में अभी तक इन्होंने तेज तरार 28 रन बनाए 14 गेंदों पे, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कितनी काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास पावर प्ले खेलने की। एक बार फिर से जाहिद अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। इस बीच शॉट रखा गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर,
खेलना चाह रहे थे ऑफसाइड के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। ये ओवर फिर भी थोड़ा सा किफायती रहा है, मात्र 5 रन इस ओवर में खर्च किए, 41 रन छतरगाम का स्कोर बिना किसी नुकसान पे। शबीर और बोईमीर पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, अभी तक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को, क्योंकि 140 रन का जब आप पीछा कर रहे हैं तो पहले के 4 ओवर में 40 रन इन्होंने बनाए और कोई विकेट नहीं खोया है। ये बहुत बेहतर आगाज है उनकी ओर से, क्योंकि हर एक टीम चाहेगी चाहे स्कोर कितना भी बड़ा हो या छोटा क्यों ना हो, लेकिन आपको भी जो है बहुत बेहतरीन शुरुआत और आगाज की जरूरत होती है। चाहे आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, कोई भी मैच छोटा के लीजिएगा, कोई भी मैच आप खेल रहे हो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन पार्टनरशिप्स वहां पे काम करती है। और वही कुछ यहाँ पर यूसीसी छतरगाम के लिए, और दोनों ही खिलाड़ी अद्भुत अब तक खेले, बहुत बेहतर खेल उन्होंने खेला। लेकिन एक बार फिर से वसीम रजा के हाथ में गेंद है, देखना कि वसीम रजा इससे पहले ओवर बहुत रन्स खाए थे, 12 रन्स खाए थे, हालांकि एक छक्का एक चौका उनके विरुद्ध लगा था, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि यहां से जो वसीम रजा उनका मनोबल, हालांकि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस कूट-कूट के बराबर, इस बार कट किया है स्ट्राइड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, रन नहीं मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर साबित खान के द्वारा, हालांकि साबित खान जो है आज बल्लेबाजी में काफी बेहतर प्रदर्शन उनका रहा, लेकिन अब जो है फील्डिंग में भी जो है उससे बेहतर योगदान देना होगा, न सिर्फ साबित खान को बल्कि खिलाड़ी को, जो भी चांस मिलेंगे उनको पूरा करना होगा। और इस बार गेंद हवा में, यहां पर मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है, वसीम रजा को यहां पर विकेट मिल सकती है। जी हां, यहां पर कैप्टन कूल के हाथ में गेंद चली गई और उन्होंने यहां पर बहुत सफाई के साथ गेंद को नीचे आते हुए, गेंद को जो है आखिरी समय पर नजरें बना के रखी, गेंद के ऊपर विकेट लिया, और यह मिलने वाली पहली सफलता जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे वसीम रजा की, उन्हें विकेट मिली है। एक्सपीरियंस जी बिल्कुल ऐसा होना ही था, क्योंकि जब आप लगातार अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं तो चांसेस रहती है कि आप विकेट गवाते हैं। बोईमीर ने हालांकि एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया और गेंद ने बल्ले का ऊपरी भाग लिया, काफी हवा में गेंद गई, लेकिन अच्छा टाइम किया वहां पे और कैच पूरा किया। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, मैंने ये पहले ही जिक्र किया था। देखिए 100 रन बहुत होते हैं, अगर आप एक आधा विकेट जल्दी चटकाते हैं तो फिर दबाव आता है, तो उस दबाव से फिर निकलना उसमें समय ज्यादा लगता है टीमों को, तो इसी कारण से हम कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 41 रन पर पहला झटका 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अब शबीर लेफ्टी बीच मैदान पे, जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यूसीसी छतरगाम की, अगर शिविर लेफ्टी डीप लेके जाएंगे इस इनिंग को तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शिविर लेफ्टी के पास वो अवेयरनेस है, वो कंसिस्टेंसी है कि ये चीज अच्छा खासा करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दूरा नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर विकेट चटकाए वसीम रजा ने, और विकेट्स आपके लिए जो है दौर खोलती है, दरवाजे और ज्यादा आपके सक्सेस के लिए खोलती है, आपकी कामयाबी की खोलती है, लेकिन ये देखने वाली बात है एक्सपीरियंस अब बीच मैदान में, एक्सपीरियंस के सामने, और ये देखने वाली बात है कि किसका एक्सपीरियंस आज जो उभर के आएगा और किसका एक्सपीरियंस, किसका अनुभव यहाँ पर काम आएगा अपनी टीम्स के लिए। वसीम रजा जो कि एक सरांझी प्लेयर है, और पिछले मुकाबले की बात करें तो 4 विकेट्स उन्होंने भी चटकाए, कहीं ना कहीं उनमें भी जो है काफी ज्यादा दमखम है, भरोसा जता लिया कैप्टन ने उनके ऊपर। और इससे पहले का ओवर अगर आप देख लिए, 12 रन उस ओवर में बने थे, इस ओवर में कोई रन नहीं बना, विकेट मिली है, और कहीं ना कहीं यहां पर शबीर लेफ्टी के ऊपर नजरें जरूर होंगी अगर बात करेंगे यूसीसी छतरगाम की। सोच अच्छी है यहाँ पे, अगर आप हार्वर्ड टाइटंस की बात करेंगे, शबीर लेफ्टी पहला गेंद खेलेंगे, खूबसूरत गेंद थी, बैकफुट पे जाके काफी लेट इस गेंद को खेला है अपने आंखों के नीचे, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अगर आप हार्वर्ड टाइटंस की बात करेंगे, राइट हैंड बल्लेबाजों के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेके आए, और हालांकि पहले ओवर में 12 रन दिए थे वसीम रजा ने, लेकिन दूसरे ओवर में दूसरी गेंद पे विकेट चटकाया, तो काफी खूबसूरत गेंदबाजी, और अब मैच थोड़ा सा खुल सा गया है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों ही टीमें बाजी मार सकती है इस मुकाबले में। स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात है, इस बीच एक बार फिर से पैरों पर लेके जान हथेली पे लेके दौड़ पड़े थे वहां पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से शबीर, लेकिन ठीक समय पे रोका वहां पे शबीर लेफ्टी ने, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, काफी किफायती ओवर है, वापसी करने को देखेंगे अब यहां से टीम हार्वर्ड टाइटंस की। जी और यहाँ पर एक आधी विकेट अगर मिलेगी, चाहे वो किसी की भी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी कर सकते हैं वसीम रजा एक बार फिर से, और गेंद को खूबसूरती के साथ स्कैल रखे और खेले, एक रन बना, दूसरे की मांग है, लेकिन वो नहीं दौड़ पाएंगे, और फिलहाल फंबल यहां पर, लेकिन यहां पर जरूर खतरा हो सकता था अगर यहां पर दूसरे रन के लिए जाती थी। एक अच्छी कॉल
आपको जो है तालमेल बेहतर होना चाहिए इस तरह के रन तोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकर पर जो खिलाड़ी थे भरोसा जरूर जता लिया था, लेकिन जो ही देखा कि गेंद यहां पर जो फील्ड हो चुकी है और वापसी की कॉल की है, नो की कॉल की है। और अब यहां पर देखते हैं 42 रन इस ओवर में, सिर्फ 2 रन बने, बहुत बेहतर वापसी है। और इसी तरह से जो हालांकि एक ही रन इस ओवर में अब तक बना, एक विकेट, और ये गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है अगर एक और गेंदबाज दूसरी ओर से मुदस्सिर अब आया गेंदबाजी के लिए, अगर वहां से एक और विकेट मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें जरूर वापस ही बढ़ सकती है और दबाव जो है वापस आ सकता है यूसीसी के ऊपर, जिस तरह की शुरुआत बेहतर मिली है। पहले मुदस्सिर रिंकू के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है, पहले ओवर में इन्होंने 9 रन खर्च किए, कोई विकेट अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। लेकिन छतरगाम को जिस शुरुआत की दरकार थी वो बोईमीर ने दिलाई है, क्योंकि 16 गेंदों पे 28 रन बनाए, जो शुरुआत चाहिए थी पावर प्ले में वो मिली है। लेकिन अब यहाँ से गेम को आगे लेके जाना होगा, क्लोज लेके जाना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करके अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ना होगा। इस बीच अपील, लेकिन लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। एक रन लेग बाय के रूप में अर्जित होता हुआ यहाँ पे यूसीसी छतरगाम के लिए। स्कोर इस एक रन के साथ 42 रन एक विकेट के नुकसान पर, और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर इस समय जारी है। कहीं ना कहीं खतरा मोड़ लिया है। अगर आप हार्वर्ड टाइटंस की बात करेंगे, पावर प्ले में ही तीन तीन स्पिनर्स को लेके आए, तो क्या ये मानसिकता ठीक है इन बल्लेबाजों के विरुद्ध? जी हाँ बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हो कि खतरा यहाँ पर मोड़ लिया, लेकिन जो अब आप इस तरह के सौदे करते हो तो अक्सर जो है बल्लेबाज दूसरी ओर से उनका यहाँ पर जो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। और वैसे अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो जितने भी स्पिनर्स आए हार्वर्ड की ओर से, स्पिनर्स पर ज्यादा इंसार है उनको और स्पिनर्स पर ज्यादा विश्वास वो जता रहे हैं। वसीम रजा की बात हो तो विकेट्स लेस वो भी नहीं गए, मुदस्सिर को वो भी नहीं गए, और बात करेंगे दर्दजोनी की तो वो भी जो नहीं गए और विकेट्स उन्होंने प्राप्त किए। और इस बीच एक और विकेट मिल सकती है, गेंद हवा में पीछे खिलाड़ी है, और लिख लीजिए यही एक कला है इस कैप्टन कूल की, इसीलिए मैं इसे कैप्टन कूल का नाम मैंने अपनी ओर से जो उन्हें दिया है, क्योंकि जो भी वो फैसला लेता है वो बहुत बेहतर होता है, ठंडे दिमाग के साथ वो फैसले लेता है, और यही एक कारण है स्पिनर्स को जो है उनके ऊपर एतमाद जता ले। और ये देख लीजिए परिणाम आपके सब्स के सामने, क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और कुछ वही देखने को मिला इस मुकाबले में भी। पहले के 4 ओवर्स में 40 रन और उसके बाद 9 गेंदों पे मात्र 3 रन और 2 विकेट्स, यही क्रिकेट है और क्रिकेट में यही कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ये रोमांचक जनक मुकाबला इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही सेट बल्लेबाज जो ओपनिंग साझेदारी के लिए आए थे वो दोनों ही बल्लेबाज डगआउट की ओर जाते हुए, और दोनों स्पिनर्स ने काम पूरा किया यहाँ पे अपनी टीम हार्वर्ड टाइटंस के लिए। वसीम राजा इससे पहले ओवर में विकेट दिलाई और इस ओवर में मुदस्सिर रिंकू ने विकेट दिलाई अपनी टीम को। यूसीसी अगर किसी खिलाड़ी पे भरोसा जता रही है, किसी खिलाड़ी के ऊपर उनकी निगाहें होगी, नजरें होंगी, तो ये पेयर जो सामने बीच मैदान में अब आ चुका है, शबीर लेफ्टी और उमर निसार। हालांकि उमर निसार का उतना ज्यादा बल्ला नहीं बोला, लेकिन सबसे अनुभवी खिलाड़ी और सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी उनकी टीम की ओर से इस बीच मैदान में देखने को मिल रहे। और ये एक कहावत है, अगर बल्लेबाज छोटे मैचों में बड़ा बल्लेबाज देखने को नहीं मिल रहा कि वो ज्यादा खेले, लेकिन बड़े मुकाबले में वो खेलते, क्या उस रीत को उस रिवायत को बरकरार रख पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और वो जो नजरें होंगी उमर निसार के ऊपर, हालांकि शिविर लेफ्टी जो उनके ऊपर तो नजरें है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर से उमर निसार, पहले इनिंग में यही कुछ देखने को मिला था हार्वर्ड टाइटंस के विरुद्ध भी, लेकिन वहां पे दर्देश गोनी और साबित खान ने वो 30-35 रनों की वो साझेदारी बनाई, उसी के बल पे फिर 140 रन टीम बना पाई। लेकिन अब यहां क्या कुछ वही कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और खूबसूरत गेंद थी, क्या छोड़ा वहां पे, हाथ तो आई पर मुंह नहीं लगा। इस तरह के कैच मुश्किल रहते हैं हमेशा कीपर के लिए, लेकिन पकड़ना चाहिए था, अगर ये कैच होता तो शायद मुश्किल रहता फिर यूसीसी छतरगाम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना। देखिए स्पिनर है और विकेट के साथ चिपके हुए खड़े, और जब भी किनारा लेके आएगी तो बहुत बड़ी तेजी के साथ आएगी, उसके लिए रिफ्लेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आपके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हमने देखा विकेट के पीछे बहुत सारे विकेट कीपर्स अच्छे कैच भी लेते हैं, लेकिन बड़े अच्छे खिलाड़ी जो विकेट कीपर जो होते हैं उनसे भी इस तरह के कैच छोड़े जाते हैं, लेकिन कैच पकड़ना चाहिए था। इस बड़े मुकाबले में आपको जो है 100% देना होगा, चाहे वो भले कौन सा डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, चाहे आप जो है बाहर आप डगआउट में जो है क्यों ना विश्राम कर रहे हो, लेकिन वहां से भी आपका रोल बनता है। मुदस्सिर रिंकू, उमर निसार के लिए नीचे रहती हुई गेंद,
बल्ला फेंका था और ऊपर से भिलियां भी उगाड़ दी वहां पे कीपर ने, और लगातार दबाव बनाना चाह रही है टीम हार्वर्ड टाइटंस की। जिस तरह की दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो उत्साह उस राजिंग हो रही है वहां पे बल्लेबाजों को, संभल कर खेलना होगा क्योंकि यूसीसी छत्रगाम के दो बड़े बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं। अब इस ये जो प्लेयर हैं, आपने पहले ही जिक्र किया है कि यहाँ पे काफी ज्यादा निर्भर करेगी टीम इस साझेदारी पे, अगर ये 100 रन तक खेल गए तो फिर मैच जीत सकती है टीम। जी हाँ बिल्कुल, मोस्ट रिकग्नाइज्ड प्लेयर एज फार एज द यूसीसी छत्रगाम इज कंसर्न, दे आर प्लेइंग इन द मिडल इन द फॉर्म ऑफ शबी लेफ्टी अलॉन्ग विद उमर निसार, बोथ आर वेरी गुड एक्सपीरियंस कंपेनर, सीजन कंपेनर ऑफ द वाइट क्रिकेट बॉल। एंड इफ वी टॉक अबाउट शबी लेफ्टी, हिज प्रीवियस मैच, व्हाट अ नॉक ही हैज प्लेड, 78 रन जस्ट ऑन 46 डिलीवरीज, एंड दैट रिमाइंड्स मी द 5 sixes अगेन ही हैज हिट अगेंस्ट फ्रंट स्पोटर्स नॉर्मल, and his teammates along with skipper will definitely eyeing on him that he should to perform like of that as well. तेज गेंदबाज का अभी तक चयन किया ही नहीं है हार्वर्ड टाइटंस ने। अगर आप मात्र एक गेंदबाज गवर राशिद को ओवर दिया था वो काफी महंगे पड़ गए, उसके बाद कंटिन्यू स्पिनर्स को लेके आए और उन्होंने काम भी किया, लास्ट के दो ओवर से मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। अब मैच पूरी तरह से खुल चुका है, ये कहना अब असंभव है कि कौन सी टीम विजय प्राप्त करेगी इस मुकाबले। हालांकि ये मुकाबला नहीं, ये महायुद्ध है, ये आप प्रतियोगिता के लिए लड़ाई कर रहे, दो दो हाथ कर रहे हैं। अगर यहां से टीम मैच हारती है तो वो बहुत कुछ गवाएगी क्योंकि ये फाइनल गेम है, तो आपको प्रतियोगिता को अपने नाम करने के लिए यहां पे प्रदर्शन करना है। फिलहाल गेंदबाजी अब जाहिद के हाथ में, एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है, सामने शबीर लेफ्टी, इस पिच पीछे खेल गए इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अजम मुदसर, मेहनवाज अशरफ लाव भेज रहे हैं, सैंडिंग लाव फॉर मेहनवाज अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया। शान शोएब, मीर मरकू, बाबू शबीर, कोटी कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रकार के विचार शेयर करने के लिए। हम आपके काफी ज्यादा आभारी है कि आप लगातार अपना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, और ये जो आपके विचार हैं इसमें हमारा काफी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आप शेयर करें इस वीडियो को ताकि बाकी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुकाबले का मनोरंजन करेंगे। शिबिर लेफ्टी, उमर निसार इस समय बीच मैदान पे और गेंदबाजी कर रहे हैं जाहिद। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो अब फील्ड खुल जाएगी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्कैरलेट पीछे है, ऑन साइड पे 3 खिलाड़ियों को बाहर रखा है और 23 गेज दायरे के अंदर कोई खिलाड़ी है ही नहीं, वहां पे आप आसानी से स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं। बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, स्टैडिश पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, कट जरूर किया था लेकिन गैप ढूंढने में विफल रहे। हाशिम डार ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। ये जो 2-3 ओवर्स घटे हैं काफी ज्यादा किफायती रहे, ये 2-3 ओवर्स बिल्कुल भी रन खर्च नहीं कर रहे। इस बीच फ्लाइटेड गेंद, काफी आगे आए गेंद के और हल्के हाथों से बल्ले का मुंह खोला बैकवर्ड पॉइंट की ओर, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। कहीं ना कहीं जहांगीर डार, आपको लग रहा है कि दबाव में है टीम यूसीसी छत्रगाम की, मात्र 2 ही विकेट गंवा दिए लेकिन दबाव अब इनके ऊपर छलकता नजर आ रहा है। शुरुआत बेहतर जरूर मिली थी लेकिन जब किसी भी टीम की विकेट जो है वो गिरती है एक के बाद एक विकेट, जब 2 विकेट लगातार गिरती है तो दबाव बन जाता है, लेकिन उनके लिए बेहतर राहत की सांस ये कि उनके टीम के प्रमुख हथियार, प्रमुख बल्लेबाज इस बीच मैदान में। और बात करेंगे यहाँ पर लेफ्टी की, तो उनकी बात एक जो उनकी एक कला है वो जो मुझे बहुत अच्छी जो है नजर आ रही है, बहुत अच्छा मैं उन्हें पसंद कर रहा हूँ क्योंकि वो जो बहुत समय लेते हैं उसके बाद वो स्ट्रोक्स भी खेलते हैं और तब तक वो जो है इक्का दुक्का से काम चलाते हैं, हर एक गेंद पर जो स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक उनकी खूबी है। और ये जो आप इस तरह का काम आप करते हो तो आपके ऊपर से जो दबाव होता है वो आपको हटाने की कोशिश ये सिंगल्स कर रहे हैं। संकट के बादल इस समय मंडला रहे हैं यूसीसी छत्रगाम के डगआउट के ऊपर से, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों से निकालना होगा टीम को, इन दोनों ही बल्लेबाजों को, तभी जो आपके लोग आपका जो है मनोबल बढ़ाते हैं, सराहना करते हैं। शबीर लेफ्टी और उमर निसार को लंबा लेके जाना होगा इस इनिंग को। और वही अगर आप हार्वर्ड टाइटन्स की बात करेंगे, काफी खूबसूरत किफायती गेंदबाजी करिए, पहले 4 ओवर काफी महंगे पड़ गए, 40 रन दिए थे, उसके बाद 3 ओवर से मात्र इन्होंने 5 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। आजम मुदसर, मोहम्मद समीर, अहतर बासु, बासित, शाकिरुल इस्लाम, कैट बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का। धर्देश गोनी,
वो खेल रहे हैं हार्वर्ड टाइटंस की ओर से। मुदस्सिर रिंकू के हाथ में एक बार फिर से गेंद, डिसाइडिंग ओवर है ये, संभल कर खेलना होगा। अगर कहीं से यहाँ विकेट गिरेगी तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा यूसीसी चित्रगाम के लिए। और यह विकेट जो है स्पिनर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है, रास आती है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने यही देखा कि यहाँ पर स्पिनर जो है ना वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और मुश्किलें लगातार वो जो है बल्लेबाजों के सामने पेश करते हुए, चुनौती भरी गेंदबाजी हमेशा स्पिनर्स करते हुए, विकेट भी जो स्पिनर्स को मिले। हालांकि वो बात अलग है कि हमने यूसीसी के तेज गेंदबाजों और मध्यम गेंदबाजों को जो विकेट लेते हुए इस पिच पर देखा है, लेकिन ये काफी ज्यादा पसंद करते, ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए बनी है, बहुत बहुत अच्छी है विकेट स्पिनर्स के लिए। और स्पिनर्स को जो आंख खोल खुली आंखों के साथ दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। जी बिल्कुल, ये एक फैक्ट भी है जहांगीरदार, जब आप दूसरी इनिंग में अक्सर आप देखते हैं कि ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते हैं स्पिनर्स, वो इसलिए क्योंकि मैट के नीचे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीला पड़ जाती है, उसके बाद गेंद ग्रिप करता है, तो उसी कारण से आप देखते हैं कि दूसरी इनिंग में स्पिनर्स काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते हैं। और ऊपर से बड़ा कारण ये है कि मैदान बड़ा है, जहां आपको अगर बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो वो ठीक से कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप आसानी से वो 50-40 मीटर के आसपास कैच देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर लेना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार गेंद मिली थी, रूम मिला था, जगह बनाकर गेंद को जरूर खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी को रखा गया था हाशिम डार को, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक वो वापस पहुंचाते गेंदबाज के हाथ पे गेंद, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास चहलकदमी के अंदाज में एक रन बनाने का मौका था, एक ही रन मिल पाएगा। और यहां से जो एक और एड में बात करना चाहूंगा, ऊपर से जो दो विकेट यहां पर गिरी है, हालांकि शुरुआत बहुत बेहतर मिली है, 40 की शुरुआत मिली थी, 41 के आसपास विकेट यहां पर गिरा है 40 के स्कोर के ऊपर, लेकिन उसके बाद यहां पर विकेट से जब दो गिरे तो कहीं ना कहीं फाइनल याद आ रहा है, फाइनल जो है फाइनल का प्रेशर दोनों ही बल्लेबाज इस समय महसूस कर रहे हैं। और बड़ी गेम है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। शिबिर लेफ्टी सामना करेंगे रिंकू का, पैर पे लेके गेंद को खेला है डीप फाइनल की ओर, हाशिम डार वहां पे तैनात है डीप में, वो गेंद को फील्ड करेंगे एक रन और खाते में। ये अच्छी सोच है दोनों ही बल्लेबाजों की कि स्ट्राइक को रोटेट करके गेम को आगे लेके जाएं, क्योंकि अगर आप अंत तक लेके जाएंगे इस इनिंग को तो आप आसानी से मैच जीत सकते हैं। और वही अगर आप अनुभव की बात करेंगे, अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो वो काफी भारी मात्रा में है हार्वर्ड टाइटंस के पास। इस बीच स्टंप्स की सीध में गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को खेला है, गेंद पास की फॉलो थ्रू में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मुदस्सिर रिंकू ने मात्र 11 रन दिए दो ओवर्स में और एक झटका दिया है टीम यूसीसी चित्रगाम को। 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुझे अभी भी याद है जब, अगर आप हार्वर्ड टाइटंस की बात करेंगे, पहले के 10 ओवर्स में उन्होंने 59 रन बनाए थे और उनके 3 विकेट गिरे थे, साबित खान और दर्देश गोनी खेल रहे थे, और यहाँ पे भी स्थिति कुछ उसी प्रकार की है, लो स्कोरिंग और वो भी फाइनल लो स्कोरिंग मैच इज ऑलवेज अ डेंजरस मैच। और ये हमने देखा है पिछले कुछ मुकाबलों में भी हमने देखा है, अगर हम बात करेंगे SNW को छोड़ के, हालांकि SNW की शुरुआत का मैच जो है वो भी एक लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था, और उससे भी है उससे पहले भी जो है यहाँ पर बूम बूम सिराज क्रिकेट ट्रॉफी के जो कुछ अन्य मैचेस जरूर रहे जो लो स्कोरिंग मैचेस रहे थे और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, उनको डिफेंड करना, उनको चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हर एक टीम के लिए, और वही कुछ जो है देखने को मिल रहा है। और ऊपर से फाइनल का दबाव, फाइनल का प्रेशर और दोनों टीमों के ऊपर, और यहां से जो हार्वर्ड टाइटंस की टीम जो वापसी करते हुए मैदान में मैच में, और अब देख लीजिए दर्देश गोनी के हाथ में गेंद है, मध्यम गति के गेंदबाज है, वो जो मध्यम गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी जो एक विकेट टेकर बॉलर है, और ऊपर से यहां पर पूरा एतमाद जो है बना के रखा है स्पिनर्स के ऊपर। यहां से जो एक समय एक एंड से जो लगातार दो स्पिनर्स को जो गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा लिया गया था, अब एक बार फिर मध्यम गति के गेंदबाज दर्देश गोनी के हाथ में गेंद है और वो भी एक विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है। व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए लाइव क्वालिटी आप तक किस तरह से पहुंच रही है, क्या आप ठीक तरह से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दर्देश गोनी राउंड द स्टंप्स, शिविर लेफ्टी के लिए लपेट के इस गेंद को खींच के खेला है डीप स्क्वायर लेग की ओर एक रन के लिए। हाशिम डार वहां पे तैनात है, हालांकि उन्होंने अभी तक गेंदबाजी नहीं करी है, कप्तान कब हाशिम डार को लेके आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, डेप्थ स्पेशलिस्ट है ये, इसके पास भी अच्छी खासी गति है, तो वो कब गेंदबाजी करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक तेज गेंदबाजों का चयन कर ही नहीं रही है, और ये अच्छा हम देखेंगे कि अच्छा चीज है अगर आप कप्तान की बात करेंगे हार्वर्ड टाइटंस की, क्योंकि पहली परख लिया कि तेज गेंदबाज
का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं रह रहे तो लगातार स्पिनर्स को लेके आए और उन्होंने काम भी किया। स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तेज रफ्तार की गेंद थी शरीर के आसपास, हल्के हाथ से कलाई के सारे गेंद को मोड़ा डीप फाइनल की ओर। साबित खान वहां पे तैनात, गेंद को फील्ड करेंगे एक रन के लिए। तौसीफ शोकी लिख रहे हैं बहुत अच्छी व्यू है, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, लिख रहे लियाकत अहमद, डीएक्स शाहिद, साबित खान को बॉलिंग दो। तौसीफ शोकी लगातार हमारी कमेंट्री की सराहना करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच शिविर लेफ्टी अंदरूनी किरा लिया, इस गेंद को अंदर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथ से एक रन के लिए खेला। शिविर लेफ्टी काफी काम है, अगर आप शिविर लेफ्टी की बात करेंगे बिल्कुल भी अभी तक इन्होंने हवा में स्ट्रोक खेला ही नहीं है, लगातार धरती पकड़ स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और बखूबी जानते हैं कि इस मैच का महत्व कितना है, क्योंकि गलतियां आप यहां से नहीं करते, एक छोटी गलती करके आप मैच को हारेंगे। शिविर लेफ्टी के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि वो बहुत ज्यादा काम रहने वाले और वो जो शुरुआत में कुछ गेंदे जो है वो लेना पसंद करेंगे और इक्का दुक्का से वो काम चलाने में माहिर है। वो बहुत जो है उनका हेड जो बहुत ज्यादा कूल है और अच्छी टेम्परमेंट के साथ जो है गेम को रीड कर रहे हैं, उनके पास वो एबिलिटी है कि वो गेम को रीड करते हैं जब जरूरत होती है और जरूरत के हिसाब से वो जो है बड़े स्ट्रोक्स लेते हैं और सिंगल्स पर भी निर्भर रहते हैं और ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी जरूर से है। जहांगीरदार कहीं ना कहीं ये जो आप यहां से 2-3 ओवर्स गुजरेंगे इन पे मैच डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर विकेट गिरेगी तो हार्वर्ड टाइटंस थोड़ा सा आगे जाएगी इस मुकाबले में। अगर ये दो बल्लेबाज ठीक से खेल पाए, रन आउट का चांस है यहां पे, लेकिन दिशाहीन थ्रो आता हुआ मंजूर पांडो की ओर से, गेंद थोड़ा सा फंबल हुआ, उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, जान हथेली पे लेके दौड़ पड़े थे। अगर थ्रो स्टिक आता तो शायद विकेट गिर सकती थी, जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी इस तरह के रन की। ये जोखिम भरे रन जो है ना ये आपको गेम से दूर कर लेते हैं कभी कभार, हालांकि कभी कभार आपके साथ आते हैं जरूर, पर कभी कभार ऐसा जो अल्फाज इक्का अल्फाज यहां पर इस्तेमाल मैंने किया, कभी कभार आपके हर वक्त आपके हित में नहीं जाएगा, कभी कभार आपके बिल्कुल अगेंस्ट भी जाएगा, कभी कभार आपके विपरीत भी जाएगा। और ये जो रन्स लेने की जरूरत है, पहले जो दो झटके उनको लगे 40 के ऊपर और तब से लेके अब तक ये साझेदारी जो है तकरीबन 12 रन की हो चुकी है और तकरीबन यहां से जो है 5 ओवर यानी कि 24 गेंदों के आसपास वो गेम खेल चुके और 12 रन की पार्टनरशिप इन दोनों की लगी वो उनमें से तकरीबन इन 12 में से तकरीबन 5-6 रन इसी ओवर में बने, तो ये दर्शाता है कि आप जो जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते वो भी इस बड़े मुकाबले में, आप फाइनल खेल रहे हो और ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने छोटी सी भी गलती की, जरा सी गलती की और फाइनल में आपके लिए, फाइनल को छोड़ के किसी भी मैच में आपके लिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। शबीर लेफ्टी इस समय 8 रन बना के खेल रहे हैं और वे अगर आप उमर निसार की बात करेंगे 13 गेंदों का सामना किया और 4 रन बना के खेल रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने दबाव में है ये दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन वो बोई मीर ने जो वो स्टनिंग नॉक खेला उसका फायदा यहाँ पे मिला है, कहीं ना कहीं अगर वो बेहतर ना खेलते तो 54 रन आप इसमें बोर्ड पे नहीं देखते। फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 66 गेंदे चाहिए 85 रन, जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 7.73 की है, तो कहीं ना कहीं बेहतर है। अगर आप दोनों ही टीमों की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई टीम आगे है इस मुकाबले में, लेकिन आप यहां से जो 2-3 ओवर घटेंगे ये मैच का रुख दिखाएगा हमें कि किस ओवर मैच करवट लेगा, क्योंकि हमेशा बीच के ओवर्स में आप ठीक से खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास उस प्रकार का सेंस होना चाहिए कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें, आसानी से बीच बीच में गैपों को तलाश करें। फिलहाल अब जाहिद के हाथ में गेंद थमा दी गई, तेज रफ्तार की गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को खेलना चाह रहे थे, एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, 55 रन टीम का स्कोर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों को खेलना होगा, अगर यूसीसी छत्रगाम को ये मुकाबला अपने नाम करना है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर, ये जो जोड़ी बीच मैदान में खेल रही है इनके ऊपर निगाहें होंगी, नजरें होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा पेयर है जो आपको मैच में जो है आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है उनका टेम्परमेंट बहुत बढ़िया है। ये आप देख सकते हो कि आप तकरीबन 14 गेंदे खेलिए, शबीर लेफ्टी ने 9 रन बनाकर खेल रहे और वही 13 गेंदों पर 4 रन की पारी खेली और कहीं ना कहीं दबाव जो हालांकि जरूर है लेकिन विकेट्स को जो है वो सुरक्षित रखना चाह रहे, महफूज रखना चाह रहे, बाद में उनके पास मौका मिलेगा जितना गेम आगे बढ़ेगा, जितने रन कम रहेंगे यानी कि जितना वो गेम आगे बढ़ेगा, हालांकि रिक्वायर्ड रेट का बिल्कुल भी इश्यू उनके पास नहीं होगा क्योंकि वो चाहेंगे बल्लेबाजों को जो शेष रखना चाहेंगे, डगआउट में मौजूद रखना चाहेंगे, जब कभी भी जरूरत पड़े उन जैसे बल्लेबाजों की तो वो खेल सकते हैं।
जाहिद एक बार फिर से लेफ्ट आर्म इस पिच कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है हाशिम इनको फील्ड करेंगे मैदान बड़ा है अगर आप थोड़ी सी भी मिस फील्डिंग करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को फिलहाल अच्छी सोच विचार के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी रणनीति अपनाई है यहाँ पे शबीर लेफ्टी और उमर निसार ने हमने पहले ये जिक्र करी है कि इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के और टीम निर्भर करती है तो ये कितना डीप लेके जाएंगे इस इनिंग को कितना बेहतर खेलेंगे ये मैच का रुख बदलेगा इस बीच बात फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और शिविर लेफ्टी जो है वो पहले से कमिट होते हैं ऑन साइड के क्षेत्र में उसी कारण से वाइड भी मिला नहीं वहां पे क्योंकि आप स्टंप्स को काफी ज्यादा कवर करते हैं ऑन साइड की ओर जगह बनाना चाहते हैं इसलिए वाइड की मांग थी लेकिन अंपायर ने नहीं दी वहां पे शफल किया था काफी ज्यादा ऑफ साइड पे इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक फाइनल की दिशा में साबित खान वहां पे तैनात है फील्ड करेंगे गेंद को एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को स्कोर इस एक रन के साथ 57 रन दो विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी अगर आप हार्वर्ड टाइटन्स की बात करेंगे उनका स्कोर इस समय 59 था और 3 विकेट के नुकसान पर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे जी हाँ फर्क बिल्कुल भी नहीं है लेकिन जो यहाँ पर ये दोनों जो टीमें उनके लिए 50-50 का मुकाबला इस समय क्योंकि दोनों ही टीमें बराबरी पर खेल रही है हालांकि शुरुआत बेहतर जरूर मिली थी यूसीसी को लेकिन उससे बेहतर बात ये हार्वर्ड टाइटन्स के लिए उन्हें दो लगातार जल्दी जल्दी विकेट्स मिले और उनके बल पर अब जो है मैच थोड़ा सा जो खुल सा गया है अगर बात करेंगे हार्वर्ड टाइटन्स के लिए क्योंकि उन्होंने भी जो दूसरी ओर से दबा बनाया और वो बड़ी आसानी के साथ रन नहीं दे रहे और अगर वो रन बॉल भी जाते यहाँ पर तो उनके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है अगर किसी कबार किसी ओवर में जो हर एक गेंद के ऊपर तकरीबन 5-6 रन अगर हर एक ओवर में जो है आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो संतुष्ट दिखाई लेकिन वो चौकों और छक्कों पर भी जो कंट्रोल करना पसंद करेंगे प्रिंस खान लिख रहे हैं शिबिर लेफ्टी है क्या शिबिर लेफ्टी वन मैन आर्मी जी बिल्कुल शिबिर लेफ्टी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं यूसीसी छतरगाम के दृष्टिकोण से इशफाक खान लिख रहे भाई टेस्ट लग रहा है जी हाँ बिल्कुल कुछ टेस्ट ही हमको भी लग रहा है वो इसी कारण से क्योंकि दो विकेट्स गिरे हैं एक से बढ़ के एक खिलाड़ी आउट हुए यूसीसी छतरगाम के तो उसी कारण से वो दबाव में आए अब ठीक से वो खेल नहीं पा रहे हैं हम लगातार आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं बूम बूम सिनर्जी के माध्यम से और जितने भी व्यूअर्स इस समय ब्रॉडकास्ट के तौर पे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस समय बूम बूम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है और ये यूसीसी छतरगाम के बल्लेबाज शिविर लेफ्टी उमर निसार और उनके जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो इस समय वार्तालाप करते हुए और अंपायर्स भी बीच मैदान पे और कहीं ना कहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे हार्वर्ड टाइटन्स वो भी एक झुंड में इस समय बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस मुकाबले में वापसी करें किस तरह से विकेट चटकाएं लेफ्टी की इनिंग काफी इंपॉर्टेंट है आज बेस्ट ऑफ लक टू हिम प्रिंस खान शायद फैन है डाई हार्ड फैन है ये शिबिर लेफ्टी की तालिब दानिश लिख रहे हैं लव फ्रॉम अल हबीब इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट यार दानिश हबीब नंबर इन्होंने दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो हम समर्थक आपको दिखाना चाहेंगे भारी संख्या में समर्थन इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है SNW में आप इस समय अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कितने व्यूअर्स इस समय ब्रॉडकास्ट के तौर पे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं बूम बूम स्ट्रेटजिक टाइम आउट अब समाप्त हो चुका है और हम एक बार फिर से आपको मैच लेके आएंगे आप बने रहेगा बूम बूम सिनर्जी के साथ शेयर करें वीडियो को बाकी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन दो विकेट के नुकसान पर शिविर लेफ्टी उमर नजीर दो सेट बल्लेबाज क्योंकि काफी गेंदे खेल चुके हैं तो अब यहां से इनिंग को आगे बढ़ाना होगा और डॉट गिने आप बिल्कुल भी आप यहां से ना खेलें क्योंकि आप समय आ चुका है कि आप लगातार स्ट्राइक को रोटेट करें और यहां से 8.20 की रिकॉर्ड रन रेट है अगर आप 2-3 ओवर और किफायती खेलेंगे तो फिर ये रिकॉर्ड रन रेट आपको 10 तक देखने को मिलेगा दर्देज गोनी एक बार फिर से स्टंप्स के सीध में गेंद थी रन के लिए दौड़ पड़े शिविर लेफ्टी अच्छा खासा भाग दौड़ लगाते हैं स्ट्राइक को रोटेट करना जानते हैं बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी खूबसूरत बल्लेबाजी दोनों ओर से देखने को मिल रही है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और हर एक रन बहुत ज्यादा कीमती है बड़े मुकाबले में
अगर आप फाइनल को लेना चाह रहे हो, अगर आप फाइनल को जीतना चाह रहे हो, तो कभी भी मौका जो मिलेगा एक रन चुराने का, आधा रन चुराने का, तो चुरा लीजिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा समय बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है। धर्तेज कोनी, इस ओवर की अगली गेंद बहुत बेहतर ये लाइन थी, पर उससे बेहतर ये स्ट्रोक था ऑन साइड में, जब मंसूर पाडो जब तक गेंद को लेने के लिए आते, पकड़ लेते, फील्ड कर लेते, वापस कर लेते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक मजीद रन चुराने का। धर्तेज कोनी इस बीच आपको बताते चले, अब तक 9 रन खर्च किए, इस ओवर में 2 रन खर्च किए, इससे पहले 7 रन पहले ओवर में खर्च किए थे, लेकिन विकेट्स की तलाश हर वो टाइटंस को, अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है, अगर ये प्रतियोगिता अपने नाम करनी है, अगर इस फाइनल में फाइनलिस्ट, विजेता फाइनलिस्ट बनना है, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जीत अगर हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं विकेट्स की दरकार है, विकेट्स की जरूरत है। और ये बर आप तक पहुंचाई दी जा रही है 10 स्टार सपोर्ट्स, रमजी सपोर्ट्स, अपना फीस रेस्टोरेंट। और बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स पलहलन पटन, उनकी ओर से ये बर नशियात आप तक पहुंचा दी जा रही है। और मैच जहांगीरदार महनवाज के संग आप तक इस मैच का आंखों देखा हाल जो है आपकी सेवा में उपस्थित होते हुए। धर्तेज कोनी इस समय गेंदबाजी कर रहे हो, उमर निसार बहुत अच्छे टेम्परमेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए, नर्वस को कंट्रोल करते हुए, हर एक गेंद के ऊपर सिंगल्स लगाने की कोशिश, इस बार छोटे गेंद मिली थी, बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश, पुल खेलना चाह रहे थे, लेकिन संभावित तौर पर संपर्क उतना बेहतर नहीं, एक रन देखे गया, शॉर्ट फाइल लग के, और गेंद जब तक फील्ड करने के लिए फील्डर आते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक और रन चुराने का। शबीर लेफ्टी पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे थे, फ्रंट स्पोर्टर्स नार्बल के वर्थ, बहुत बेहतर पारी, 78 रन की, 5 छक्के उस पारी में, चौके पारी में शामिल थे, 4 चौके 5 छक्के, और क्या वो बल्लेबाजी थी, क्या बढ़िया बल्लेबाजी थी 46 गेंद के ऊपर। और वही एक कारण है कि यहाँ पर आपको जो है फ्रंट स्पोर्टर्स नार्बल के बजाय इस समय यूसीसी छत्रगाम की टीम खेलते हुए नजर आ रही है। यूसीसी छत्रगाम की टीम 10 स्टार की स्पॉन्सर करता ये टीम है, और बेहतर परिणाम अब तक उन्होंने साबित दिए, बहुत बेहतर तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल पहले किया। अब यहां से जो बल्लेबाजी जो है बहुत ही ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है, कमाल की बल्लेबाजी, और इस बीच एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पर उछाल लेके गेंद बड़ी तेजी के साथ आई थी, विकेट कीपर के दस्तानों के साथ गेंद लगी जरूर थी, लेकिन किनारा लेकर गेंद चली नहीं गई थी, अन्यथा यहाँ पर कैच हो सकता था, लेकिन ये कैच हाथ में नहीं लगा। सरशील थोड़ी सी जख्मी वहां पर दिखाई दे रहे, पर हम ये अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि यहां से जो ज्यादा चोटिल ना हो, क्योंकि एक बड़े मुकाबले में आपको विकेट कीपर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सरशील एक कैच उनके हाथ से बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है, पर वो बहुत तेजी के साथ कैच उन तक ट्रैवल हुआ था, लेकिन कैच को वो नहीं पकड़ पाए थे। पर अब आपको बताते चले मोमेंट इस समय जो है दोनों टीमों के साथ होता हुआ, क्योंकि 11 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके, और कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर ये जो है बाद में आने वाले हैं। इससे भी अगर आप इस तरह के करंट रन रेट की बात करें, इस करंट रन रेट के साथ महनवाज इस समय जा रहे 5.64, और रिक्वायर्ड की बात करें 8 से भी अधिक हो चुका, 8.5 हो चुका, और यहां से इतना ज्यादा भी धीमा नहीं खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि बीच में जब आप तेज स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करोगे, बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करोगे, अगर उस समय विकेट मिले ही ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले बल्लेबाजों के लिए ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल इस फेरबाद में हो सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 ओवर सिंपल खेलना होगा, क्योंकि अभी भी मैच गया नहीं है हाथ से, 54 गेंदें हैं, 77 रन है, कुछ भारी लक्ष्य नहीं है, आपके 8 विकेट्स अभी भी हाथ में है, तो आसानी से ये रन बन जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 ओवर और ठहर के खेलना होगा। जब लास्ट के 6-7 ओवर बचेंगे तो आप 10 रन के हिसाब से भी रन बना सकते हैं, आपके पास 8 विकेट्स है हाथ में, लेकिन अगर यहाँ पे विकेट गिरती है तो 1-2 ओवर जब आप आगे पहले विकेट गंवाते हैं तो शायद फिर और ज्यादा मुश्किल हो सकता है यूसीसी छत्रगाम के लिए। फिलहाल गेंदबाजी जाहिद के हाथ में, सामना करेंगे शिविर लेफ्टी, इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे, वसीम रजा गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की प्राप्ति हो जाएगी वहां पे, अच्छी सोच है शिविर लेफ्टी की। जाहिद नबी ने मात्र 12 रन दिए और ये अपने कोटे का चौथा ओवर कर रहे हैं, काफी ज्यादा किफायती गेंदबाजी इन्होंने करी है। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर शफल किया और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, काफी बाहर गेंद थी उसी कारण से अंपायर ने वाइड का इशारा दिया वहां पे,
स्कोर 65 रन दो विकेट के नुकसान पर 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। नासिर अली आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच स्लॉग स्वीप के अंदाज में शिविर लेफ्टी का बल्ला, माशाल्लाह ये लीजिए पहला छक्का इनके बल्ले से। समय जब आप लेते हैं तो फिर गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है, कुछ वही देखने को मिला। और हमेशा ये यही करते हैं, जब भी इनको छक्का लगाने की मंश ये जो मन में आता है कि मैं छक्का लगाऊं, तो हमेशा ये ऑफ साइड पे जाके ऑन साइड के एरिया को टारगेट कर रहे हैं। ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है। अगर आप शिविर लेफ्टी की बात करें, शिविर लेफ्टी की कला है और खूबी है, ये इस तरह के स्ट्रोक खेल सकते हैं। और जिस तरह से पहले ये कह चुके हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, उसके बाद जब उनकी आंखें जम जाती है, नजरें जम जाती है, और करना भी चाहिए, हर एक खिलाड़ी को यहां से सीख लेनी होगी। और इस बार भी यहां पर विकेट कीपर से चूक, लॉन्ग स्टॉप की ओर से गेंद बागी के साथ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए गिफ्ट की सूरत में चौका मिलता हुआ यहां पर। खूबसूरत स्ट्रोक, इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, हालांकि इससे पहले जो छक्का जड़ा था शिविर लेफ्टी ने, वो दर्शाता है कि इस खिलाड़ी के पास क्या काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की और बड़े मैचों में खेलने की। स्कोर इस समय टीम का 75 रन दो विकेट के नुकसान पर, पारी का 12वां ओवर जा रही। इस ओवर को शायद टारगेट करना चाहेंगे शिविर लेफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है। इस बीच एक बार फिर से ऑफ साइड पे देखिए कितना ये सफल करते हैं ऑफ साइड पे, वो इसी कारण से क्योंकि ऑन साइड के एरिया इनका इनको रास आता है, इसी एरिया में ये खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी गेंद के लिए इनको खिलाड़ी भी रखे गए हैं। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, तीन खिलाड़ी ऑन साइड पे इसी स्ट्रोक के लिए हैं शिविर लेफ्टी को। कहीं ना कहीं गेम प्लान के साथ यहाँ पर गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, हालांकि उतने ज्यादा प्रभावित साबित नहीं हुए गेंदबाज, क्योंकि उनके विरुद्ध एक बहुत बेहतर स्ट्रोक, उसके बाद एक चौका लगा। अब आप देख लीजिए एक सिंगल लेके जो है नॉन स्ट्राइकर पर सूरज चेक महफूज होते हुए, और ये एक ऐसा ओवर जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि यहां से जो है और ज्यादा जो है उतना ज्यादा दिमाग खेलने की जरूरत नहीं, यहां से एक ओवर ऐसा आना चाहिए जहां से रन बने और रिक्वायर्ड रेट भी जो ऊपर, जो यहां से जो है करंट रन रेट जो ऊपर चला जाए, रिक्वायर्ड रेट थोड़ा सा नीचे आ जाए। शेयर किया जाएगा इस वीडियो को ताकि जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोटि कोटि शुभकामनाएं बूम बूम सिनर्जी पे। आप लाइक फॉलो करें इस पेज को ताकि जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप आसानी से कश्मीर के क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। इस बीच धीमी रफ्तार की गेंद थी, लॉफ्टी ड्राइव खेलना चाह रहे थे, हालांकि अंदरूनी किनारा लगा, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की प्राप्ति भी हो जाएगी। दाद देनी होगी यहाँ पे शिविर लेफ्टी की, एक तो खेलते ये बड़े कमाल के हैं और ऊपर से सिंगल को डबल में तब्दील करने की इनके पास काबिलियत है, अच्छी खासी दौड़ लगाते हैं स्टंप्स के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, ये उनकी खूबी, और इससे पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो सिंगल्स के ऊपर भी ज्यादा निर्भर रहते हैं। और एक खिलाड़ी को हमने देखा है कि पिछले यानी कि जो पिछली पारी हुई थी इसी मुकाबले की, वहां से मंजूर पांडा ने दो छक्के मारे, जरूर थे दो छक्के आए थे, उसके बाद वो एक और छक्का मारने की कोशिश में विकेट गवा बैठे, लेकिन वहां पर ये गलती यहां शिविर लेफ्टी नहीं कर रहे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे, चौके और छक्के के बाद अपने आप को महफूज और सुरक्षित करते हुए नॉन स्ट्राइकर पर बहुत अच्छी रणनीति के साथ अब तक ये मैच खेला है। और इसीलिए हमने पहले ही कहा था ये वो जोड़ी है जो मैच को जो जिता सकती है यूसीसी छत्रगाम के लिए, अब तक बहुत बेहतर कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए। इस ओवर में 15 रन आए हैं, जहांगीरदार कहीं ना कहीं वापसी करी है टीम यहाँ पे यूसीसी छत्रगाम ने, 78 रन दो विकेट्स के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद। इससे पहले जो आपको 8.5 का औसत दिख रहा था, अब वो 7.63 की पहुंच चुकी है, तो टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये ज्यादा भारी लक्ष्य नहीं है, लेकिन आप संभल कर खेले, टाइम लेके खेले, आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं। गवर रशीद को एक बार फिर से लेके आए, हालांकि वसीम रजा के 2 ओवर अभी भी हैं, वो किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस पारी में ये भी देखने वाली बात होगी। गवर राशिद काफी महंगे पड़े थे पहले ओवर में और यहाँ पे विकेट की दरकार होगी, जो स्पिन का अटैक चल रहा था उसको न्यूट्रलाइज किया शिविर लेफ्टी ने इस ओवर में, क्योंकि जो 15 रन आए एक ही ओवर में, तो उसने जो स्पिन अटैक था उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे डाल दिया है। तो अब तेज गेंदबाज से ट्राई की जाएगी कि कहीं यहाँ पे विकेट गिरे। जा कोशिश यहाँ पर कप्तान की, विकेट्स की मांग है, विकेट्स की जरूरत है अगर इस मैच में वापसी करनी है।
लेकिन फिलहाल ये प्लेयर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर एक को दो में कन्वर्ट करते हुए, ये देख लीजिए किस तरह से लेफ्टी, जहां एक रन मिलना चाहिए था वहां दूसरे की मांग थी और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, मिस फील्ड और उसका यहाँ पर खमियाजा भुगतना पड़ा। एक को दो में कन्वर्ट करते हुए, यही होता है जब आप पहला जो है तेजी के साथ भागते हो और कहीं ना कहीं फील्डर्स के ऊपर दबाव यहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने यही समझा कि शायद दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे, हालांकि दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो फंबल वहां पर हुआ उनके कारण यहाँ पर लेफ्टी ने एक को दो में कन्वर्ट किया। बहुत खूबसूरत रनिंग, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। गवर राशिद इस बीच खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, जाने दिया, बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया वहां पे शिबिर लेफ्टी ने। डॉट गेंद और इस मैच में बेहतर स्थिति में अब दिखती नजर आ रही है यूसीसी छतरगाम की टीम। 46 गेंदें, रन चाहिए अभी भी 59। गवर राशिद के साथ वहां पे वार्तालाप करते हुए खिलाड़ी, काफी सीनियर खिलाड़ी है इस टीम में। हार्वर्ड टाइटन्स की अगर आप बात करेंगे, वसीम रजा और मंजूर पांडो जैसे खिलाड़ी आपके टीम में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलता होगा वहां पे गेंदबाजों को भी। अब साइड पे चार खिलाड़ी को अंदर लेके आए हैं सिंगल रोकने के लिए, लेकिन शिविर लेफ्टी फिर भी अपना सिंगल ले लेते हैं। यूसीसी छतरगाम 139 रनों का पीछा कर रही है इस समय, टीम का स्कोर 81 रन दो विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 45 गेंदें चाहिए 58 रन, गवर राशिद इस समय आक्रमण कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, टेन स्टार सपोर्ट की स्पॉन्सर करदा टीम इस समय बहुत खूबसूरती के साथ, अपने यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे और इस मैच में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और इस समय यूके ड्राइविंग सीट पर है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो सिचुएशन है, इक्वेशन है 45 गेंदे 55 रन, तो मुकाबले में मजा आने वाला है। लेकिन अगर यहां पर विकेट मिलती तो और ज्यादा रोमांच बाद में आने वाला है, क्योंकि यहां पर हार्वर्ड टाइटन्स इस समय बैकफुट पर चलती हुई नजर आ रही और विकेट से आपको आपको वापस ले सकती है, वापस दिला सकती, वापसी करा सकती है इस मुकाबले में। इस बीच घूमकर पलटकर स्ट्रोक जरूर खेला था, पीछे खिलाड़ी था एक ही रन और यहां पर जो है बागी का साथ मिला बल्लेबाज के लिए, क्योंकि पीछे खिलाड़ी रखा गया था इस तरह के स्ट्रोक के लिए। लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी आज पहले सत्र में देखने को मिली। अगर बात करेंगे यूसीसी छतरगाम की, रूपमीर, जय सूर्या और भी अनेक खिलाड़ी जिन्होंने यहां पर बहुत कमाल की गेंदबाजी की है, और जिस तरह से 10 स्टार बहुत खूबसूरत जो है स्पॉन्सर है उससे बेहतर ये उनकी टीम है, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में अपने आप को सिद्ध करते हुए, साबित करते हुए और यह जो है जीत की ओर अपने कदम को आगे लेते हुए जा रही है। और 10 स्टार का जो सर है वो फकर से बुलंद करने की कोशिश यूसीसी छतरगाम की टीम की ओर से देखने को मिल रही है। जिस तरह से पहले गेंदबाजी और उसके बाद अब बल्लेबाजी में जो योगदान दिया है वो काबिले दीद है, काबिले तारीफ है, काबिले यकीन है। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी, गेंदबाजी और पूरी तरह से जो है पलटा बारी अब तक दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे यूसीसी छतरगाम की, क्योंकि 56 रन 43 गेंदे और 8 विकेट साथ में ये ना भूलेगा। 43 गेंदें 56 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, न केवल मैच बल्कि बूम बूम सिनर्जी छठवें एडिशन अपने नाम करने में मात्र 56 रन चाहिए 43 गेंदों पे यूसीसी छतरगाम को। और अभी तक हाशिम डार को क्यों गेंदबाजी नहीं दी गई है, ये भी एक सवाली चिन्ह है यहाँ पे हार्वर्ड टाइटन्स के लिए। हाशिम डार डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते, कब उनका इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच शरीर पे गेंद थी, फाइन लेग पर मुदस्सिर इनको तैनात है, वो गेंद को फील्ड करेंगे। एक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाज के पास। पूरी तरह से स्मूथ मैच चल रहा है, अगर आप मैच की सूरत हाल की बात करेंगे एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी टीम ने बाजी मारी है, लगातार बैलेंस में अभी तक मैच चल रहा है। शायद अंत में ही डिसाइड होगा कि अंतिम के 2-3 ओवर्स में कौन सी टीम मैच जीतेगी। हालांकि पहली इनिंग में ऐसा लगा था कि शायद यूसीसी छतरगाम ने बाजी मारी है, 139 रन पे ही रोका था, लेकिन अब गेंदबाजी देखिए आप हार्वर्ड टाइटन्स की, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। चौरासी रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। व्यूअर्स आप बने रहेगा हमारे साथ बूम बूम सिनर्जी पे, शेयर करें इस वीडियो को।
ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस मुकाबले का आनंद लेंगे। वसीम राजा एक बार फिर से अपने कोटे का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं, 13 रन देके एक विकेट इनके हाथ लगी है। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को खेला है, डायरेक्ट हिट चाहिए थी वहां पे, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो शायद मामला बन सकता था, लेकिन स्ट्राइक को बखूबी रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। टीम का स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर इस समय प्रगति पे, विकेट की दरकार रहेगी यहाँ पे हार्वर्ड टाइटंस को, और अच्छी खासी साझेदारी बनाई है जहांगीर। अगर आप इन दोनों बल्लेबाज की बात करेंगे, टीम को दरकार थी एक साझेदारी की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वो दिलाई है। बहुत कूल तरीके से ये दोनों ही बल्लेबाज आप तक खेलने को देखने को मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी इन दोनों की ओर से। दबाव जरूर था जब ये मैदान पे आए थे, जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, पर तब से लेके अब तक बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को साबित किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। शबीर लैफ्टी और उमर निसार जिस तरह से जोड़ी बीच मैदान में आए थे, हमने उसी समय कहा था ये जोड़ी में काफी ज्यादा जाम है, इस बार खूबसूरती के साथ मिडल किया है गेंद को और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। वन बाउंस बाउंड्री, एक बाउंस चौका ये लगा है, खूबसूरत स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, अपनी जगह से हिले भी नहीं थी। ओवर पिच कसम की गेंद वसीम रजा की, लेकिन उसका स्वागत चौके से किया है और क्या शुरुआत यहां पर मिली है इस ओवर में भी। वसीम रजा के ऊपर यहां पर दबा बनाने की कोशिश, एक बार फिर अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुई, ऊपर की गेंद थी मिस किया, लेकिन यहां पर भागी का साथ एक बार फिर से बल्लेबाज को मिलता हुआ, क्योंकि ये विकेट ये स्टम्प्स पर भी लग सकती थी इस तरह की गेंद थी। और इस बार एक बार फिर गेंद को कट किया, पीछे खिलाड़ी है, एक रन मिलेगा, एक ही रन मिल पाएगा। और जिस तरह से पहले मैंने कहा था ये जोड़ी जो है बहुत खूबसूरत है और यूसीसी के लिए एक बहुत बढ़िया काम करेगी अगर इस मुकाबले को जीतना है, तो अब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने जो अपने आप को सही साबित किया और हमें भी साथ में सही साबित किया, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कूल टेम्परमेंट के साथ यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और कभी भी ऐसा स्ट्रोक नहीं खेला जहां से हमें ये लगे कि यहां से उन्होंने खतरा मोल लिया। जी ये खास बनाती है शबीर लैप्टी को, हमने पहले ये जिक्र किया है कि शबीर लैप्टी उस प्रकार के बल्लेबाज है, दूसरे रन के लिए भागे पलटे हैं दूसरे रन के लिए और दूसरे रन की प्राप्ति भी हो जाएगी। देखिए इसलिए शबीर लैप्टी का नाम उन 10 खिलाड़ियों में आते हैं अगर आप जैन के पूरे वैली की बात करेंगे, वो इसी कारण से क्योंकि गेम को अच्छा खासा ये रीड करते हैं और दूसरी इनिंग में चेज करना बेहतर जानते हैं, और समय लिया इन्होंने 24 गेंदों पे कुछ, हालांकि आंकड़े हम जरूर शेयर करेंगे, 32 गेंदों पे 31 रन बनाए हैं शिबिर लेफ्टी ने, हालांकि स्ट्राइक रेट 100 के आसपास के हैं, लेकिन दरकार थी वहां पे संभलने की एक साझेदारी की, वो इस खिलाड़ी ने बनाई है। 36 गेंदें चाहिए 47 रन, 92 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए, वो जो विकेट हाथ में रखे उसका अब यहां से फायदा मिलेगा यूसीसी छतरगाम को, अब खुल के आप स्ट्रोक खेल सकते हैं क्योंकि आपके पास 8 विकेट्स मौजूद हैं। जितनी ज्यादा विकेट्स आपके पास सुरक्षित होती है उतना है आपको जो है मजा आता है फिर बाद में बड़े स्ट्रोक खेलने का। और यो यहां पर देखे तो अगर बात करेंगे उमर निसार की, हालांकि वो भी एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा निर्भर यहां पर शबीर लैप्टी के ऊपर कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर जो है काम चलाने की कोशिश की जा रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर उमर निसार की बात करें, हालांकि गेंदे वो भी कम नहीं खेले, 24 गेंदे खेले और 14 हालांकि जी माफ कीजिए जी बिल्कुल 14 रन ही बना चुके हैं, 24 गेंदे खेले 14 रन बनाए, लेकिन ये पारी जो है वो बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे अगर इस मैच में जीत उनको हासिल होती है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब यहां से ये दो बल्लेबाज जो अंत तक खेलेंगे और ये बहुत बेहतर पार्टनरशिप उनकी टीम के लिए। 40 के ऊपर अगर आपको याद होगा दूसरी विकेट गिरी थी, तब से लेकर अब तक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी है, 50 रन की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है 51 रन की, तो ये मत भूलेगा कि इसमें कंट्रीब्यूशन जो उमर निसार का भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा योगदान। अगर दूसरी ओर से विकेट्स गिर जाती तो शबीर लैप्टी शायद इस स्कोर के ऊपर नहीं होते और वो जो इतना ज्यादा स्कोर इतने आसानी के साथ नहीं बना सकते। पारी को संभाला है इन दोनों ये बल्लेबाजों ने, एक मंजी हुई पारी खेली है, लेकिन अब इस पारी का महत्व तभी रहेगा जब आप मैच जीतेंगे। तो फिलहाल दर्देश गोनी राउंड द स्टंप्स शबीर लैप्टी के लिए, और ऑन साइड पे कितने रन बटोरे हैं इस बल्लेबाज ने मुझे अब याद ही नहीं रहा है, हर एक गेंद पे ऑन साइड पे गेंद को खेलते हैं, टहलाते हैं, आसानी से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, हालांकि ऑफ साइड पे इनको खिलाड़ी रखे जाते हैं। 52 गेंदों पे 50 रनों की साझेदारी आई है जिसमें से 32 रन बनाए शबीर लैप्टी ने और कुछ 14 रन जी हाँ बिल्कुल उमर निसार ने बनाए हैं। दर्देश गोनी अभी भी काफी ज्यादा किफायती रहे, हालांकि विकेट इनके हाथ नहीं लगी, लेकिन किफायती अच्छे खासे रहे हैं दर्देश गोनी। बैकवर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेज पॉइंट, कवर, फ्लाइंग स्लिप,
चार खिलाड़ी ऑफ साइड पे, तेज गेंद दायरे के अंदर, तेज तरार गेंद थी और गेंदबाज के फॉलो थ्रू में गेंद को खेला है, इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं रहा। अब यहां से अगर आप डॉट गेंदें भी खिलाएंगे फिर भी दबाव बढ़ता जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। 93 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 34 गेंदें, 46 रन, क्या मुकाबला है ये जहांगीरदार। जी हां, बहुत बढ़िया मुकाबला और तमाशाओं के लिए जो इससे बेहतर मुकाबला नहीं हो सकता। संघर्ष बीच मैदान में SNW के खूबसूरत ग्राउंड में और इस तरह के मुकाबले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक लवेस्ट स्कोर था, एक कम टोटल था, 128 रन चाहिए थे, मात्र 132 रन चाहिए थे शायद ये मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। लेकिन उसको जो है अभी भी जहां से जो हार्वर्ड टाइटंस जो है यानी कि जीत, वो जो है जीत से दूर नहीं रहना चाहते, वो भी अपनी ओर से बरहक कोशिश, बरहक प्रयास करना चाहते और जीत को जो है जीत से हमकिनार होना चाहते। पूरी तरह से क्रिकेट की विजय हुई है यहाँ पे SNW के मैदान में, जिस तरीके का सूरत हाल अभी तक रहा है। दर्देज कोनी, इस बीच तेज रफ्तार की गेंद थी, क्या बल्ले को छू कर गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, ये देखने वाली बात होगी। अपील जरूर करी थी वहां पे लेकिन कीपर से साथ मिला नहीं, शायद आप दबाव डाल सकते थे अंपायर के ऊपर, लेकिन खूबसूरत गेंद थी, बल्ले को नाप करके गई है, गति थी इस गेंद पे और वो उछाल देखने को मिला, डॉट गेंद। 15वां ओवर इस समय पारी का जारी है, मात्र 2 ही विकेट्स गवा दिए हैं और इस बीच बड़ा स्ट्रोक खेला है, पैरों पे गेंद और हवाई सैर पे गेंद, फाइनल के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए, उमर निसार के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक, समय लिया, जांचा परखा इस गेंद को और फाइनल के ऊपर से जड़ा 6 रन। सबर का फल मीठा होता है, अक्सर हमने सुना है पर आज देखा भी, उसका उदाहरण यहां पर पेश उमर निसार ने किया। अब तक 27 गेंदे इससे पहले खेल चुके थे, 26 गेंदे इससे पहले खेल चुके थे लेकिन कोई भी बाउंड्री उनके बल्ले से नहीं आई थी, लेकिन क्या खूबसूरत समय पे ये बाउंड्री आई और मैच का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिला। ये सिर्फ न सिर्फ बिल्कुल बाउंड्री से बाहर बल्कि ग्राउंड से भी बाहर गिरा, इतना बेहतर स्ट्रोक था। विकेट चाहिए यहाँ पे अगर मैच जीतना है तो, नहीं तो अगले 2-3 ओवर्स में ये मैच समाप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इनके पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की और क्या जहांगीरदार आपको लग रही है कि कई चूक हो चुकी है कि एक ओवर देना चाहिए था वहां पे हाशिम डार को कि कहीं इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करें। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है, अब 60-62 रनों की साझेदारी आई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, किफायती जरूर है, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी अच्छी नहीं करी है लेकिन वो जो विकेट चाहिए था क्या वो हाशिम डार दिला सकते थे बीच के ओवर्स में। क्षमता है, जब कोई गेंदबाज इस तरह की बड़ी टीम के साथ खेल रहा है तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज की भूमिका से ही वो इस टीम में उन्होंने जगह बनाई, लेकिन प्रमुख गेंदबाज और उनको ओवर ना देना ये कहीं ना कहीं मेरे सोचो विचार से बिल्कुल बाहर है। और जिस तरह से हमने पिछले वर्ष देखा है हाशिम डार सुल्तान वॉरियर श्रीनगर के प्रमुख गेंदबाजों में से थे, प्रमुख खिलाड़ियों में से थे और यही एक कारण था कि वो पिछले SNW के फाइनलिस्ट रह चुके, यानी कि उन्होंने फाइनल खेला है, तो कहीं ना कहीं हाशिम डार का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, बहुत बढ़िया था साबित खान के साथ मिलकर। लेकिन आज वो कुछ सोच जो है हमेशा अक्सर ऐसी ऐसा देखने को नहीं मिला है, ओवर्स किए लेकिन वो बहुत डीप लेके गए हाशिम डार को और उसके बाद ओवर्स खिलाए कराए गए, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लेके गए और 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका और हाशिम डार ने अभी तक एक ओवर नहीं खिलाया, अगर किस काम के लिए खिलाया ये भी जो है चिंता का विषय, सवाल इस काम पर भी उठेंगे, इस बात पर भी उठने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप गेंदबाज को खिलाते हैं तो उसका जो टैलेंट है और उसके पास जो अनुभव है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो किस के लिए आपने खिलाड़ी को रखा है। हालांकि हम अगेंस्ट नहीं है कप्तान के लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप ट्राई कर सकते थे, अगर आप हाशिम डार को एक ओवर देते थे कहीं वो इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करते। फिलहाल वसीम रजा, खैर छोड़िए, अब 30 गेंदे चाहिए 39 रन, राउंड द स्टंप्स उमर निसार के लिए, फाइनल की दिशा में गेंद को खेला है, मुदस्सिर रिंकू वहां पे तैनात है, दूसरे रन के लिए भागे, दूसरे रन की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छी तरह से गेंद को टहलाते हैं, गैप को अच्छी तरह से तलाश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, दांत देनी होगी यहां पे क्योंकि 40 के स्कोर पर 2 विकेट्स गवा दिए थे और उसके बाद एक समय भी ये नहीं लगा कि ये दोनों बल्लेबाज चूक गए, बिल्कुल अपना समय लिया, कोई हालांकि इनको जीवनदान भी नहीं मिला है, ठीक से खेला इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत, जितनी तारीफ है जितनी प्रशंसा आप कर सकते हो, जितनी आप
आप कर सकते हो, मेरा ये मानना है उतनी कम है इन दोनों खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है यूसीसी चित्रगाम को न सिर्फ मैच में लाया बल्कि अब जीत की दहलीज की ओर वो जो है उनकी नजरें यहाँ पर हो रही है। हालांकि अभी भी जो है मैच हाथों से नहीं निकल चुका है हार्वर्ड की ओर से, अगर यहाँ पर एक दो जल्द झटके लगते हैं तो कहीं ना कहीं मैच में वापसी कर सकते हो। और अगर गेंदों के ऊपर भी नजर दौड़ा है, 26-28 गेंदों में मात्र 28 गेंदों में मात्र 36 रन की जरूरत है, लेकिन विकेट्स आपको मैच में वापसी करा सकते हैं। ये डिसाइडिंग ओवर है, क्या वसीम रजाक कुछ मिरेकल करेंगे, क्या विकेट दिलाएंगे टीम को? इस बीच स्लॉक्सवेप के अंदाज में अपील, क्या प्रभाव पड़ेगा इस अपील का अंपायर के ऊपर? बिल्कुल नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, काफी शफल किया था ऑफ साइड पे और ये गेंद विकेट लेने वाला गेंद था। देखिए आप वसीम रजा की रिएक्शन देखिए आप, खूबसूरत गेंद थी वो जो काफी आगे चले गए थे ऑफ स्टंप से, उसी कारण से शायद विकेट मिली नहीं वहां पे वसीम रजा को। एक बार फिर से ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है, खूबसूरत गेंद, जड में गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, हाशिम डार वहां पे तैनात है, फील्ड करेंगे गेंद को एक रन के लिए। 35 रन चाहिए, 15.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 104 रन दो विकेट के नुकसान पर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान पे काफी समय लगता है क्योंकि आपको हर एक गेंद के बाद क्षेत्ररक्षण को तब्दील करना होता है। वसीम रजा एक बार फिर से खूबसूरत गेंद, स्टंप्स के सीध में गेंद थी, जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे इनके विरुद्ध, क्या इस गेंद पे विकेट आ सकता है या संभल कर ही खेलेंगे ये बल्लेबाज उमर निसार। डीप पॉइंट लॉन्ग ऑफ है ऑफसाइड पे, थर्ड मैन को ऊपर लेके आए हैं, फ्लाइंग स्लिप रखी गई है, अंदर आती हुई गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला है, मंजूर पांडो पे दबाव डालना चाहेंगे, दूसरे रन के लिए लौटना चाह रहे थे वहां पे उमर निसार, एक ही रन बनाएंगे। अच्छा किफायती ओवर रहा है, मात्र 4 रन इस ओवर में दिए, कुल मिला के यूसीसी छतरगाम का स्कोर 105 रन दो विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स की समाप्ति के बाद। अब इक्वेशन काफी खूबसूरत है, 24 गेंदें 34 रन 8.5 की औसत। मेरा आपसे इस इक्वेशन जो मैंने देखी है 24 गेंदें 34 रन 10 रन जो है अंतर है 10 रन का अभी भी, क्या यहाँ पर एक ओवर बनता है हाशिम डार के लिए, क्या उन्हें गेंदबाजी के लिए लाना चाहिए? अगर बात करेंगे यूसीसी छतरगाम की तो जितने भी विकेट्स हार्वर्ड टाइटंस की गई है वो सब की सब विकेट जो है सिवाय एक विकेट जो अख्तर ने लिए वो सारी की सारी विकेट जो है पेसर्स को मिले, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक बात मेरे लिए जो है डार के लिए ये है कि उन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया, क्या आप अभी भी चाहते हो उन्हें एक ओवर यहाँ से कराया जाए ट्राई के लिए, और क्या ये सिचुएशन वो है जहाँ से डिमांड हाशिम डार के लिए है? ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कर पाएंगे। देखिए हम खुद तो खेल नहीं रहे हैं, हम मात्र केवल आपको आश्वासन दे सकते हैं कि आप किस गेंदबाज का चयन कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए खुद तो नहीं खेल रहे कि हम खुद वो फैसला लें, लेकिन फिलहाल इस समय चाहिए 24 गेंदें 34 रन 105 रन दो विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छा संकेत यह है यूसीसी छतरगाम के लिए कि उनके दो सेट बल्लेबाज बीच मैदान पे है, तो 8.5 का औसत उतना ज्यादा नहीं है, और वे अगर आप हार्वर्ड टाइटंस की बात करेंगे अगर एक ओवर अच्छा आता है यहां पे 3-4 रन का, अगर लास्ट के 3 ओवर 30 रन रहे तो मजा आएगा इस मुकाबले में। जी हां बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा है, और अगर ये विकेट यहां पर इस स्टेज पर अगर विकेट लगी ना, विकेट हाथ में लगते ही मैच का रुख थोड़ा सा बदल सा जाएगा, समय बदल सा जाएगा, क्योंकि सिचुएशन इस समय पूरी तरह से कंट्रोल है यूसीसी के हाथ में, लेकिन एक विकेट की मांग है क्योंकि ये मुकाबला अब उस मरहले में दाखिल हो चुका है जहां से आपके पास जो है ना सुई के मानन भी गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। कवर राशिद ओवर द स्टंप्स, सामने राइट हैंड बल्लेबाज उमर नसी, और इस बीच क्लीन बॉल, टाटा बाय बाय, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और डंडा बाहर। क्या ये वो विकेट है कि मैच में ला सकती है टीम हार्वर्ड टाइटंस को? बहुत कुछ देखने को मिल सकता है अब यहां से, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उमर निसार सेट बल्लेबाज को चलता क्या यहां पे गवर राशिद ने, मुझे अभी भी याद है गवर राशिद ने पिछले साल SNW में शहबाज अहमद IPL बॉय को आउट किया था और वहां पे भी वही सेलिब्रेशन, यहां पे भी ये महत्वपूर्ण विकेट है।
दरकार थी, सूख गई थी टीम विकेट के लिए और कवर राशिद ने वो विकेट दिलाई अपनी टीम को। अब यहां से मुकाबले में आंदन आएगा, अब बने रहेगा बुम बुम सरजी के साथ। मैच के दृष्टिकोण से देखे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था, हार्वर्ड टाइटन्स के दृष्टिकोण से देखे तो इससे भी बेहतर था, इससे भी बहुत ज्यादा जरूरी था उनकी विकेट्स को यहां पर प्राप्त करना, क्योंकि विकेट्स नहीं निकल रहे थे, विकेट्स नहीं मिल रहे थे और इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत बेहद जरूरी बन गया था। और ये आई देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही समय पे ये विकेट मिले हार्वर्ड टाइटन्स को। और गवर रशीद जिस तरह से आईपीएल बॉय का जो उन्होंने विकेट हासिल किया था, उसके बाद जो पहले चौका मारा था शायद मुझे याद है, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला था, उसके बाद विकेट जब वो यहां से जो रैंप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद विकेट सीधा जाके लेग स्टंप पर वो डंडा उनका बाहर कराया था गवर रशीद ने। और ठीक उसी तरह से आज भी जब जरूरत थी, जब समय की दरकार थी, हार्वर्ड टाइटन्स के कप्तान की मांग थी विकेट्स की, तो गवर रशीद एक बार फिर से खड़े उतरते हुए कप्तान ने याद किया, विकेट दिलाई उन्होंने। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, लाजवाब, दरकार थी टीम को विकेट की वो दिलाई है इस प्रमुख गेंदबाज गवर राशिद ने। पहला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ लेकिन उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा इस गेंदबाज ने। और T20 क्रिकेट में एक ही एक या दो ओवर रहता है जहां पे आप गेम को चेंज करते हैं, क्या वो एक ओवर ही होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब नए बल्लेबाज आए हैं, रूफ मीर सामना करेंगे गवर राशिद एक्साइटेड गेंदबाज का। और दोनों ही टीमें अब प्रबल दावेदार है, 50-50 प्रतिशत मैच दोनों ही छोर से। और द स्टंप्स राइट हैंड बल्लेबाज रूफ मीर के लिए शायद रन अप में थोड़ी सी खराबी देखने को मिली, क्या वो मनकट आउट करने का प्रयास कर रहे थे, वो अब रन आउट का माना जाता है, वो भी एक आपके लिए विकल्प रहता है कि आप वो आउट भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिविर लैप्टिक को भी अब क्रीज में ही रहना होगा क्योंकि क्रिकेट में इस तरह की घटनाएं घटती है। जी बिल्कुल, आपका मानना सही और यहाँ से कोशिश जरूर की थी लेकिन शिविर लैप्टिक जो है काफी ज्यादा चतुर है, काफी चालाक है और वह बिल्कुल भी क्रीज छोड़कर नहीं गए थे, अगर जाते तो कहीं ना कहीं विकेट मिल सकती थी। और इस बीच आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो नए बल्लेबाज आया है ये शुरुआत में कुछ डॉट्स खेलेगा और जितने वो डॉट्स खेलेगा उतना ज्यादा दबाव शिविर लैप्टिक के ऊपर भी आने वाला है क्योंकि समय की मांग है रन की, समय की मांग है, दरकार है रन की। तो यहाँ अगर एक छोर से डॉट्स खेलेंगे रूप मीर तो दूसरी ओर से शिविर लैप्टिक के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और वो भी गलती करने के चांसेस उनके बढ़ते हैं। फिर 23 गेंदें 33 रन 106/3 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। गवर राशिद ओवर द स्टंप्स रूफ मीर के लिए ऑफ साइड का दायरा बांध के रखा, चार खिलाड़ी 23 गेंद दायरे के अंदर, अंदरूनी किनारा और गेंद सीधा स्टंप्स पे, ड्रीम ओवर गवर राशिद के लिए, रूफ मीर को चलता किया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ऑन साइड की ओर लपेट के मारना चाह रहे थे, आड़े बल्ले से लेना चाह रहे थे इस गेंद को, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधा स्टंप्स पे, चौथवा झटका है यूसीसी छतरगाम, कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई। और गवर राशिद इस ओवर को नहीं बोलेंगे, मैंने पहले ही ये चर्चा करी है, क्या ये वो ओवर है जहां पे हार्वर्ड टाइटंस वापसी करेंगे इस मुकाबले में। आनंद आनंद और आनंद अपने उरूज पे एसएनडब्ल्यू के इस खूबसूरत मैदान में, और क्या गेंदबाजी की है, गजब की गेंदबाजी की है। और जिस तरह से रूप मीर ने दो गेंदों पर दो झटके दिए थे उसी तरह से तीन गेंदों पर बल्ले सही लेकिन झटके जरूर लगे और यहां से जो है वापसी हार्वर्ड टाइटन्स की, पूरी तरह से मुकाबला अब खुल चुका है और हार्वर्ड टाइटन्स यहां से जो है बहुत मुश्किल जो है स्थिति से गुजर रहा था, पूरी तरह से मैच में वापसी उन्होंने की है और मैच अब जो है पूरी तरह से 50-50 जो है 50-50 प्रतिशत खुल चुका है दोनों टीमों के लिए। हालांकि विकेट अभी भी शेष है ये मत भूलेगा, लेकिन दूसरी ओर से शिविर लेफ्टी अभी भी नाबाद बने हुए लेकिन उनके ऊपर कितना ज्यादा दबाव बनेगा, जितने ज्यादा विकेट और जितने ज्यादा डॉट्स आने वाले बल्लेबाज खेलेंगे उतना ज्यादा दबाव यहाँ पर लेफ्टी के ऊपर भी चलता बढ़ता चला जाएगा। ड्रीम ओवर ये गवर राशिद के लिए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, पहले गेंद पे विकेट उसके बाद वाइड, अब एक और विकेट, क्या विकेट एक और ले पाएंगे, क्या वन ब्रिंग्स टू हो सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। 22 गेंदें 33 रन नए बल्लेबाज उवैस शाह अक्सर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन यहाँ पे भरोसा जताया है कप्तान ने कि इनके ऊपर यहां से मैच अपनी टीम को। यूस
नाम की बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है। गेंदबाजी के दम पे ये मैच जीतते थे, आज दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी आई, क्या अब बल्लेबाजी के दम पे ये मैच जीतेंगे? और अब टेस्ट जैसी फील्डिंग लगाई गई, आप देख लीजिएगा, हम दिखाना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को। स्लिप कॉर्नर पे अब दो खिलाड़ी को तैनात किया गया और एक शॉट कवर है, मिड ऑफ भी ऊपर है तेज गेंद के अंदर। इस बीच शरीर पे गेंद थी, पैरों पे लेके खिलाड़ी के सारे गेंद को मोड़ लिया है और कीपर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। एक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाज के पास। व्यूअर्स आप बने रहेगा बूम बूम सिनर्जी के साथ, शेयर करें इस वीडियो को ताकि जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे और हम 1000 देखना चाहेंगे अपने स्क्रीन पे। फिलहाल इस समय 21 गेंदों पे चाहिए 32 रन मैच जीतने के लिए। अब सारी निगाहें रहेंगी शिबिर लैप्टी के ऊपर की शिबिर लैप्टी किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। यहां से शिबिर लैप्टी का 20वें ओवर तक खेलना बहुत जरूरी, शायद यहां पे जोखिम नहीं लेना होगा शिबिर लैप्टी को, अगर दूसरे छोर से जोखिम कोई ले भी, लेकिन शिबिर लैप्टी का 19वें ओवर की 6वीं गेंद खेलना वो भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि काफी लंबे से खेल रहे और बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया था, इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला, एक रन बनाने का मौका, एक ही रन मिल पाएगा। और मुझे यहां से यही मतलब महसूस हो रहा है, दरकार है इस समय शिबिर लैप्टी की विकेट पर रहने की, और ये कोशिश हो बरक अपनी ओर से कर रहे हैं कि आप जो है अपनी विकेट को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और भले ही दूसरे एंड से विकेट गिरते चले जाए लेकिन शिबिर लैप्टी का खेलना अंत तक था, अंत तक जरूरी है अगर इस मैच को यूसीसी को जीतना है तो। अभी तक इस प्रतियोगिता में 675 छक्के लगे हैं, क्या 2-3 ओवर लगाएंगे शिबिर लैप्टी इस मैच को जीतने के लिए? बहुत कुछ होना बाकी है इस मुकाबले में, जो अभी तक 2-3 घंटे की जो लड़ाई चल रही थी अब कुछ ही लम्हों में उसका फैसला होगा कि कौन सी टीम बाजी मार पाएगी इस मुकाबले में। गवर राशिद का ड्रीम ओवर ये, और 2 विकेट चटकाए जब टीम को दरकार थी। शिबिर लैप्टी और उसके साथ ही साथ ओएस शाह बीच मैदान पे इकलौते स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर मिड ऑफ 23 गज दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग पीछे है। काफी खूबसूरत मुकाबला ये, गवर राशिद चले, खूबसूरत गेंद अंदर आती हुई, रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे शिबिर लैप्टी, लेकिन गजब की फील्डिंग है और गजब की टाइमिंग देखने को मिल रही है वहां पे, अगर थ्रो करते तो शायद मामला बन सकता था। जी हाँ बिल्कुल, पर क्या ओवर किया है, ड्रीम कम्स ट्रू फॉर गौहर राशिद एज ही बॉल अ ब्रिलियंट ओवर, दिस वाज रिक्वायर्ड, दिस वाज नीडेड एज फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैच इज कंसर्न, एंड गौहर राशिद वाज द मैन, द कैप्टन गोज टुवर्ड्स हिम एंड ही हैजंट बीन डिसअपॉइंटेड एज ही टुक इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स एंड कंप्लीटली चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। महनवाज काफी ज्यादा किफायती ओवर, 17वां ओवर, मात्र 3 रन देना ये दर्शाते हैं, और इस बीच बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे ऑन द अप, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई और सभी खिलाड़ी दिलासा देते हुए वहां पे गवर राशिद को, गजब की गेंदबाजी करी है, देखने योग्य है ये, अच्छी खासी साझेदारी को तोड़ा है इन्होंने, और वो भी 17वें ओवर में मात्र 3 रन दिए, 24 गेंदें 34 चाहिए थे और अब 18 चाहिए 31। अब आप देखिए मैच किस ओर करवट लिया है, हार्वर्ड टाइटन्स शायद थोड़ी सी फेवरेट सब हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से विकेट्स की जरूरत थी, विकेट्स की दरकार थी, और हम ये कह रहे थे कि एक विकेट अगर यहां पर मिलती है तो मैच में वापसी कर सकती है, पर यहां गौहर राशिद ने एक नहीं दो दिलाई अपनी टीम के लिए और पूरी तरह से मैच को चेंज किया है। और विश्लेषण आप देख सकते हो, पिछले ओवर के विकेट मिले, वाइड गई है, विकेट मिली है, सिंगल गया, उसके बाद फिर से 2 डॉट गेंदे, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी, ये कमाल है, ये अद्भुत गेंदबाजी है, लाजवाब, अच्छी खासी गेंदबाजी है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम गवर राशिद की। और एक चीज जहांगीरदार के आपने नोट्स किया है कि हर एक ओवर समाप्त होने के बाद 11 खिलाड़ी आके डिसाइड करते हैं कि अब ये ओवर कौन डालेगा, तो ये अच्छी खास बात रही है, क्योंकि जब आप तालमेल में रहते हैं अपने कप्तान के साथ वार्तालाप करते हैं तो आप अच्छे तरीके से डिसाइड करते हैं कि दूसरा ओवर किसको देंगे, और वही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप हार्वर्ड टाइटन्स की बात करेंगे, ओवर समाप्त होने के बाद 11 खिलाड़ी इकट्ठे होकर ओवर डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने को मिला और नोट्स भी किया है मैं भी इसका जिक्र छेड़ना चाह रहा था, पर आपने किया तो वो भी ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा जरूरी भी है मैच के हिसाब से, और बड़ा फाइनल खेल रहे, क्योंकि अगर ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती है,
जी बिल्कुल, और इस बार किनारा लेते हुए गेंद, अपेक्षित स्ट्रोक है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन के लिए शायद जा सकती है। जी बिल्कुल, चौका मौके पे मिलता हुआ, यहाँ पर कोई मौका नहीं किसी के लिए गेंद को रोकने का, अपेक्षित गेंद थी और वही सर्शिल के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद चली गई लॉन्ग स्टॉप की ओर से, चौका। शिबिर लेफ्टी के पास मौका है कि अपने आप को प्रूव करें किस शैली के वो बल्लेबाज हैं। 17 गेंदें चाहिए 27 रन, 112 पे 4, पारी का 18वां ओवर इस समय जारी। दर्दीज गोनी गेंदबाजी कर रहे हैं, 24 रन अभी तक दिए, हालांकि इस ये गेंद अच्छी थी, मारने वाला गेंद नहीं था, ऊपरी किनारा लिया, थर्ड मैन के ऊपर से चौका मिला शिबिर लेफ्टी को, लेकिन किस्मत का साथ बहादुरों को मिलता है। दर्दीज गोनी एक बार फिर से, शिबिर लेफ्टी का बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे तैनात, वसीम रजाक ने गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा वहां पे दोनों बल्लेबाज को, और यहां पे Unbelievable. और क्या यहाँ पे हुआ है हम देख ही नहीं पा रहे हैं, शिबिर लेफ्टी का विकेट यहाँ पे मिला है, दर्देश धोनी ने जिस तरह से एमएस धोनी करते हैं वही यहाँ पे दर्देश धोनी ने किया है, अनबिलीवेबल। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम कैसे शेयर करें और क्या ये विकेट है या मैच है। शिबिर लेफ्टी निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए डीप मिड विकेट से थ्रो किया था वहां पे वसीम राजा ने, और यहाँ पे दर्देश धोनी ने गेंद को पकड़ के पीछे से स्टंप्स को लगाया और पता ही नहीं चला वहां पे शिबिर लेफ्टी को, 5वां विकेट, और क्या कुछ सूरत हाल हमको देखने को मिला, अनबिलीवेबल, एक ही सेकंड में विकेट मिला, ऐसा बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी मैंने देखा ही नहीं इस प्रतियोगिता में, और अब तक की क्रिकेट में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, जिस तरह से हमने जो है मतलब डीप मिड विकेट से थ्रो मिला था और वो सीधा जाके लग जाता तो अलग बात थी, पर यहां से दर्देश धोनी बिल्कुल मतलब फील्डर की ओर देख रहे थे और बॉल को पकड़ा और पता नहीं चला, जिस तरह से धोनी विकेट के पीछे हमने करते हुए देखा और कभी भी मौका नहीं मिलता फिर बाद में खिलाड़ी को, और इस तरह से एक बड़ी विकेट और बड़ा यहां पर जो रोमांच पैदा होता हुआ मैच में, काफी खूबसूरत यह मुकाबला चलता हुआ, और ये सारा का सारा क्रेडिट इस विकेट का मैं दर्देश धोनी को देना चाहूंगा, हालांकि फील्डर ने कोशिश की थ्रो किया लेकिन विकेट बहरहाल दर्देश धोनी के हित में जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, अनबिलीवेबल, हमारी धड़कनें तेज होती हुई और हम बयां ही नहीं कर पाते तो हम कहें क्या, व्यूअर्स के सामने इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला, दर्देश धोनी ने गेंद को एक हाथ से पकड़ के कमर के पीछे से किस तरह से स्टंप्स को लगाया ये पता ही नहीं चला क्योंकि खुद वो देख रहे थे वसीम रजा की ओर, और शिबिर लेफ्टी जैसे बल्लेबाज को चलता किया जो मैच इनके पाउच से निकाल सकता था, और अब यहां से बराबरी पे आए, ऐसा ही नाम दर्देश धोनी इनको नहीं पड़ा है, दर्देश धोनी मानो धोनी, कैप्टन कूल जिस तरह से मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि कैप्टन कूल इसीलिए कहा जा सकता है, जो वो करते हैं वो जिस चीज को छूते हैं सोना बन जाता है, आज यहां पर दर्देश धोनी ने धोनी की भूमिका निभाई है, धोनी की भूमिका यह इस मुकाबले में निभाई है, कमी थी धोनी की वो पूरी की धोनी ने, यहां पर बहुत अद्भुत अविश्वसनीय और अनबिलीवेबल सीन हमारे सामने पेश आया, ऊपरी किनारा लिया और आप फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है बीच मैदान पे, और ऐसा होता है इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जब आप विकेट गवाते हैं तो फिर यही कुछ देखने को मिलता है, और हर एक गेंद पे आप समर्थनों की वो गूंज सुनाई देती है, और क्या मुकाबला है ये, खूबसूरत अद्भुत अविश्वसनीय, 16 गेंदें चाहिए 26 रन, उमेश शाह जय सूर्या दो नए बल्लेबाज है बीच मैदान पे, मुश्किलें रहेंगी इनके लिए। जी यहाँ पर शिबिर लेफ्टी बहुत अच्छा काम जरूर कर रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन वो भी अंत में जो है साथ छोड़ के गए, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट दर्देश धोनी को देना चाहूंगा, जिस तरह से मैंने सीन देखा इससे पहले कभी भी मैनवाज आपने नहीं देखा होगा जहां तक इस तरह की क्रिकेट की बात है। इस बीच खूबसूरती के साथ इस बार गेंद को दर्शकों के बीच खड़े किया और इस बार बहुत बेहतरीन बड़ा चिपचोट छक्का, कहीं मत जाइएगा, रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मुकाबले में, यूसीसी छतरगाम हारने वाली टीम नहीं है, शॉर्ट पिच गेंद थी, घूम के स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और क्या कभी मैच उस ओर करवट लेता है कभी इस ओर, इस बीच एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक वसीम रजा, लाजवाब एफर्ट, आगे की ओर ड्राइव करके कैच को पूरा करना चाह रहे थे लेकिन कुछ यार्ड्स गेंद उनके आगे गिरी, और क्या मुकाबला है ये,
कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। दर्देश कोने का ओवर, क्या कुछ घटा इस ओवर में, ये देखने योग्य है। 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 14 गिने 20 रन पर। आसिफ लिख रहे ये वही है ना नेशनल प्लेयर उवैस शाह जी, बिल्कुल। बट मोरिफत यासीन हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेयर करते जाएगा इस वीडियो को ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस मुकाबले का आनंद ले। 13 गेंदे 19 रन, मुकाबला इस समय बहुत बेहतर स्थिति में जाता हुआ दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला था धर्देश गोनी ने जब रनआउट किया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ पर हार्वर्ड टाइटन्स पूरी तरह से मुकाबले में हावी, लेकिन उसके बाद क्या खूबसूरत मिड विकेट के ऊपर से छक्का देखने को मिला और वो कमाल का स्ट्रोक था। और उसने मैच में जो एक बार फिर से जो यूसीसी को जो मैच में वापसी का रास्ता दिखाया। और हम चाहेंगे कि आप इस सीधे प्रसारण को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलेगा। मुकाबला 120 रन 5 विकेट के नुकसान के साथ, 12 गेंदे और 19 रन, किस तरह से देखते हो मैनबाज इस तरह के जो दृश्य आपके सामने है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता मैच किस ओर करवट लेगा, लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी करी है अभी तक हार्वर्ड टाइटंस ने। इस बीच तेज रफ्तार की गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। ओवर की समाप्ति, अब 12 गेंदे चाहिए 19 रन मैच जीतने के लिए, 9.5 के आसपास की रुकेट रन रेट। विकेट साथ में, ये बात भी ना भूलेगा, विकेट साथ में अगर एक आधा ओवर ऐसा गया जहां से जो एक दो छक्के लग जाएंगे तो मैच पूरी तरह से यूसीसी के हित में भी जा सकता है। पर अगर यहां पर विकेट मिले, दोनों ही बल्लेबाज नए हैं क्रीज पे, तो उनके लिए मुश्किल की घड़ी ये भी है। हम मैदान के चारों ओर आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, आप बने रहेगा बूम बूम सिनर्जी के साथ। भारी संख्या में समर्थन इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं ब्रॉडकास्ट के तौर पे, और एक एक गेंद का महत्व रहेगा। 12 गेंदे 19 रन, जितने भी व्यूवर्स इस समय बूम बूम सिनर्जी के माध्यम से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं वो भी शेयर करें ताकि बाकी लोग इस मुकाबले का मनोरंजन करेंगे। ये देखिए जैम पैकेट स्टेडियम SNW के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में गेंदबाजी किसको थमा दी जाएगी, ये चिंता का विषय है। और उवैस शाह क्या अपना अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या हीरो रहेंगे यहाँ पे यूसीसी छत्रगाम के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। अंतिम के 7-8 मिनट्स में आपको देखने को मिलेगा। हाशिम डार को आज बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं दी गई है, क्या 20वां ओवर डालेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ये देखिए आप दृश्य आप देख रहे हैं इस समय SNW के मैदान से। गवर राशिद अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे, इससे पहले ओवर में मात्र इन्होंने 4 रन दिए थे और ये ओवर पेनल्टीमेट ओवर, और क्या करेंगे इस ओवर में गवर राशिद ये देखने वाली बात होगी। और सामने होंगे उवैस शाह, बड़ा कॉन्टेस्ट ये, 12 गेंदे 19 रन। गेंद जी हाँ बिल्कुल, गेंद और बल्लेबाजी की जंग छड़ी है SNW के मैदान में, एक्सपीरियंस के सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वही अगर बात करेंगे गवर राशिद की, पिछले ओवर में जो 2 विकेट प्राप्त किए मनोबल ज्यादा बड़ा होगा। और वही बात करेंगे उवैस शाह की, एक बड़ा छक्का जड़ने के बाद नजरें उनकी एक और छक्के के ऊपर जरूर होंगी। और यहां से इस ओवर को जो है, इस ओवर में जो है गेम का पासा पलटने की कोशिश वो करेंगे, मैच का पासा पलटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 10 रन रहते 11 रन रहते तो मुकाबले में जो है वो अपने आप को नहीं रख पाएंगे। लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पीछे, ऑन साइड पे 3 खिलाड़ी 23 गेंद दायरे के बाहर, मिड ऑफ कवर बैकवर्ड पॉइंट स्ट्रेटजी पॉइंट, ये ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी 23 गेंद दायरे के अंदर है, पॉइंट और थर्ड मैन पीछे रखा है, कुल मिला के 5 खिलाड़ी बाहर हैं। उवैस शाह सामना करेंगे वहां पे राउंड द स्टंप, गवर राशिद का शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, वसीम रजा नीचे वहां पे, क्या ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं, कोशिश की थी कैच लेने का लेकिन गेंद कुछ और सुन से आगे गिरी, बरसक प्रयास किया था हवा में कैच को पूरा करने के लिए, स्टैंडिंग एफर्ट लेकिन नहीं ले पाए। दो बार अभी भी 17 रन, 13 गेंदे 17 रन, दो बार कोशिश की थी कैच लेने की, इससे पहले भी एक कैच आया था बहुत दूर वो कैच था लेकिन ड्राइव लगाकर उन्होंने उसको बहुत ज्यादा नजदीक लाए थे लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। इस बार भी बहुत बेहतर कोशिश थी लेकिन इस बार भी किस्मत बल्लेबाज के साथ जाती हुई। उवैस शाह अगर पूरे 11 गेंदे खेलेंगे तो यूसीसी छत्रगाम मैच जीत सकती है, लेकिन उवैस शाह क्या 11 गेंदे खेल पाएंगे, ये चिंता का विषय है। गवर राशिद इनके पास अनुभव है, इस जैसे मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए इनके पास वो जिगरा है, क्या विकेट दिला पाएंगे टीम को, देखने वाली बात होगी।
मंसूर पांडो शॉर्ट कवर पे तैनात, रिंकू सिंह बैकवर्ड पॉइंट पे, खूबसूरत गेंद अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। ओएस शायद क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन शायद गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। गवर राशिद निराश जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अंपायर डिसीजन इज द फाइनल। 10 गेंदें 16 रन, कहीं मत जाइएगा। 1500 व्यूअर्स 1.5 के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम और ज्यादा देखना चाहेंगे, क्योंकि खैर कश्मीर में, हालांकि भारत में क्रिकेट को धर्म के तौर पे माना जाता है, तो इस समय वो वाला मैच है कि आप चाहेंगे कि हम इसको देखें। जी बिल्कुल, और हम ये भी चाहेंगे कि आप साथ में शेयर भी करते जाएगा इस बड़े मुकाबले, क्योंकि अगर आपके पास और जो दोस्त घरों में बैठे उन तक हम नहीं पहुंच सकते, तो आप पहुंच सकते, आपकी शेयर पहुंच सकती है, और तभी ये मुकाबला उन तक पहुंच जाएगा, और इस मुकाबले का आपके साथ साथ वो लोग भी आनंद लेंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत खूबसूरत मरहले में आप दाखिल हो चुका है। यहां से 10 गेंदें 16 रन, जय सूर्या, पहला दूसरा गेंद खेलेंगे, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। गवर राशिद और क्लीन बोल्ड, जड में गेंद थी, मिडल स्टंप उखाड़ दिया वहां पे गवर राशिद, और क्या घातक गेंदबाज है ये, एक बार फिर से उन्होंने दर्शाया। तेज रफ्तार की गेंद थी, हवा में स्विंग होती हुई सीधा स्टंप्स पे और डंडा बाहर, जय सूर्या विकेट गवाते हुए यहाँ पे। किसी भी बल्लेबाज के लिए ये गेंद डालो तो वो आउट ही हो जाएगा, क्योंकि ये उस तरह की गेंद थी, जड में डाली हुई गेंद, सीध में डाली हुई गेंद, जिस तरह से मोहम्मद आमिर करते हैं ना गेंदबाजी, थोड़ी सी स्विंग वो करते और ऊपर से वो ब्लॉक होल में डालने की कोशिश करते, ठीक उसी तरह से यहाँ पर गवर राशिद ने गेंद को ऊपर रखा और ऊपर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, यॉर्कर थी, स्टिक निशाने पे थी, डंडा बाहर कर दिया और रास्ता दिखा दिया पवेलियन का यहाँ पर बल्लेबाज को। डेथ में गेंदबाजी करने की क्या काबिलियत है इस गेंदबाज के पास, 24 कैरेट खरा सोना ये गेंदबाज गवर राशिद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज घातक साबित होता हुआ यहाँ पे, और हार्वर्ड टाइटन्स अगर इस मुकाबले में बनी है तो वो इस गेंदबाज के ओर से, क्योंकि इन्होंने अंतिम के 2 ओवर्स में 3 विकेट चटकाए और उसके बाद वो दर्देज गोनी का रन आउट वो पता ही नहीं चला। एक झुंड में टीम इस समय हार्वर्ड टाइटन्स की, और अपने ईश्वर से वो इस समय यही प्रार्थना कर रहे कि हम इस मैच को जीते। वो देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं वो बीच में, ये भी दृश्य आपको देखने को मिलता है भारत में, यही कुछ आपको देखने को मिलता है कि आप अंत में ईश्वर से मांगते हैं कि कुछ दृश्य यहां पे हो, हम इस मैच को जीते, और वही वहां पे कुछ कर रहे थे हार्वर्ड टाइटन्स की टीम। शिबिर लेफ्टी आज अपने विकेट को काफी ज्यादा कोसेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वो काफी लंबे समय से खेल रहे थे और हम ये चर्चा बिल्कुल कर रहे थे, बार बार इसका जिक्र हो रहा था कि शिबिर लेफ्टी को जो है, एक बार वो बात आपकी मुझे याद आ रही है कि उन्हें जो 20वें ओवर की 6ठी गेंद भी खेलनी पड़ेगी तब जाके मुकाबला जीत पाएंगे, लेकिन वहां पर मैं दाद देना चाहूंगा, हालांकि शिबिर लेफ्टी ने उतनी ज्यादा गलती नहीं की थी, लेकिन उसे भी पता नहीं चला जिस तरह से काम गोनी ने धोनी का करके दिखाया आज, बहुत खूबसूरत। 9 गेंदें 16 रन, नए बल्लेबाज आसिफ बीच मैदान पे, धड़कने तेज होती हुई और भारी संख्या में विवर्स इस समय मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। गवर राशिद लगातार वार्तालाप करते हुए, मंसूर पांडव और वसीम रजा जैसे खिलाड़ी इसके टीम में मौजूद हैं, लगातार संदेश दे रहे कि किस तरह की आप गेंदबाजी करें। वसीम रजा डीप पॉइंट पे तैनात है और लॉन्ग ऑन पे मंसूर पांडो तैनात है। 9 गेंदें 16 रन, अगर 3 गेंदों पे एक बड़ी हिट आती है तो फिर 6 में 10 बन जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फाइनल लेग ऊपर है हाशिम डार के रूप में, ओवर द स्टंप्स, क्या जड़ में गेंद होगी, वही करने का प्रयास था लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद है। अपील जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं इस अपील का, क्योंकि लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, 1 रन और खाते में, 8 गेंदें 15 रन। जितना ज्यादा यहाँ पर ओएस शाह को बल्लेबाजी मिलेगी उतना यूसीसी के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि ओएस शाह जिस तरह के बल्लेबाज है, जिस तरह से छक्का मारा है और क्षमता उन्होंने यहाँ पर क्लियर दिखाई है कि उनके पास वो क्षमता है कि वो छक्के और चौके में डील कर सकते हैं। अरे आसिफ ब्यूटीफुल वॉइस एंड प्रॉपर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकी हसन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज मीर मुश्ताक बट इस समय मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, 8 गेंदें 15 रन। ओएस शाह बड़ा खिलाड़ी बीच मैदान पे है, कुछ अलग करना होगा, मैच जिताना होगा टीम को। और गवर राशिद की बात अगर आप करेंगे, ओएस शाह का विकेट लीजिए आप 90% मैच जीतेंगे, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाज उतनी खास नहीं है यूसीजी छतरगाम के पास। बड़ा मुकाबला ये,
नेल बाइटिंग मैच कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दो गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों ही टीमों की ओर से। राउंड द स्टंप्स वैसा बड़ा स्ट्रोक लेकिन टाइम नहीं कर पाए पूरी तरह से। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, फंबल होते हुआ दूसरे रन के लिए भागे और दूसरा रन प्राप्त करेंगे। गलती नहीं कर सकते आप, वो देखिए एग्रेशन, वो गुस्सा देखिए आप गवर राशिद का। फंबल हुआ और दूसरा रन मिला वहां पे बल्लेबाजों को, 7 गेंदें चाहिए 13 रन। दबाव दबाव देखने को मिल रहा है, जहां एक बनना चाहिए था वहां फंबल। इस बड़े मुकाबले में फाइनल का प्रेशर अलग से होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है जहां पर एक मिलना चाहिए था वहां दो रन मिले और कहीं ना कहीं उमेश शाह को आप स्ट्राइक के ऊपर लाया। उमेश शाह नजरे होंगे चौके छक्के के ऊपर, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अंतिम ओवर में जो है उनके पास 10 से अधिक रन रहे। उमेश शाह क्या बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे? ना मुझे लग रहा है यहाँ पर छक्के और चौके के लिए बड़ी जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार चार्ट में गेंद थी गवर राशिद और क्या गेंदबाज है ये, सपने में आएगा आज यूसीसी चित्रगाम के बल्लेबाजों को। झट में गेंदबाजी, अक्सर ये लैक ऑफ यॉर्क का मुझे देखने को मिल रहा है अक्सर। अगर आप कश्मीर क्रिकेट की बात करेंगे, यहाँ के गेंदबाज को प्रॉपर यॉर्क का डाल देनी आती है और ऐसा मात्र गेंदबाज गवर राशिद जिनके पास ये कला है स्लॉग ओवर्स में यॉर्क का डालने की। हर एक गेंद जो हमने उनसे देखी है, तकरीबन इस ओवर में 3 यॉर्कर्स, इससे पहले भी विकेट ली थी वो भी यॉर्कर के ऊपर लिए, और कहीं ना कहीं आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। 100% मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि यॉर्कर के मास्टर है, यॉर्कर के स्पेशलिस्ट है अगर है तो वह गौहर रशीद इस समय कश्मीर वैली में। 6 गेंदें चाहिए 12 रन जहांगीरदार, ये भी एक दिलचस्प बात है। इन्होंने इनके सभी गेंदबाजों के कोटे पूरे हुए हैं। अगर आप दर्देश गोनी या गवर राशिद की बात करेंगे, 20वां ओवर किससे डालवाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्या हाशिम डार 20वां ओवर डालेंगे या किसी और गेंदबाज को देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इस समय देखने को मिल रहा है कि मंजूर पांडो के हाथ में गेंद है, विकल्प की कमी नहीं, हाशिम डार का भी अभी आना बाकी है, उनके पास भी विकल्प थे, हाशिम डार उनके प्रमुख गेंदबाज है, लेकिन आज आश्चर्यजनक बात है कैप्टन ने उन्हें याद नहीं किया और मंजूर पांडो के हाथ में गेंद है, हालांकि उनके पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे हार्वर्ड टाइटंस के कप्तान के ओर से, क्योंकि जानते हैं कि 6 में 12 रन चाहिए तो यहाँ पे नर्वस काफी काम रखने होते हैं, तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल जैसे एक्सपीरियंस लेके आए हैं लास्ट ओवर्स में। मंजूर पांडो गेंदबाजी करेंगे, अभी तक इस मैच में इन्होंने गेंदबाजी नहीं करी है। 6 गेंदें चाहिए 12 रन, सामने एक यंग टैलेंटेड बल्लेबाज उमेश शाह और क्या रोमांचक मुकाबला है ये। मुकाबले का आनंद आप सभी ले रहे हैं, भूमिम सिन्हा जी के ऊपर शेयर करते जाएगा और आपको बताना चाहिए मुकाबले का, चाहे भले कोई भी रिजल्ट आए आपके सामने लेकिन मैच आज देखने के लायक था। पासा वसूल मुकाबला देखने को मिला सभी दर्शकों को, बहुत बहुत बड़ा मुकाबला, पूरी तरह से क्रिकेट की विजय हुए यहाँ पे SNW के मैदान पे। मैच किस ओर करवट लेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ से मंजूर पांडो और दूसरी तरफ से उमेश शाह, दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं और आज एक्सपेरिमेंट, आज परीक्षा चल रही है इन दोनों ही खिलाड़ियों की, कौन सी टीम इस मुकाबले में विजय प्राप्त करेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। नेशनल बनाम इंटरनेशनल इस समय बीच मैदान में SNW के मैदान में देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते मुकाबला किस ओर जाएगा और फिलहाल ये देख सकते हो ये एक अलग दृश्य, अलग नजारा है। सभी जो व्यूअर्स हैं, सभी जो दर्शक बीच मैदान में खेल को देखने के लिए आए तमाशाई, वो अब पैरों पे अब स्टैंड हो चुके हैं और वो देख के मुकाबले का आनंद नहीं लेना चाहते क्योंकि पता है अंतिम घड़ी है और बिल्कुल तैयार होते हुए मुकाबले का आनंद लेने के लिए। फील्ड हम आपको आपके साथ परिचय कराएंगे, स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पीछे है। मंजूर पांडो ओवर द स्टंप्स, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए 6 गेंदें 12 रन, तेज गेंद थी पीछे खिलाड़ी है और आसान सा कैच, वसीम रजा कोई गलती नहीं करेंगे। मंजूर पांडो विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को पहले गेंद पे, उमेश शाह यहां पे पवेलियन की ओर जाते हुए, 5 गेंदें चाहिए 12 रन, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम विजुअल्स आपको इस समय दिखा रहे हैं, हार्वर्ड टाइटंस के खिलाड़ी कितने खुश है और बहुत खूबसूरत ये गेंद थी। और अगर बात करेंगे वसीम रजा की तो वो ये गलती नहीं करने वाले, वो कैच छोड़ने वाले नहीं है, जहां से वो आधे कैच को जो है आधे मतलब आधा जो कैच होता है उसको
पूरा करने की कोशिश करते हैं, वहां से अगर उनके पास पूरा वहीं से आके आएगा तो वो छोड़ने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। पूरी तरह से अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हार्वर्ड टाइटंस की टीम, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम कैप्टन की। हालांकि लगातार सवाल ये चिन्ह उठ रहे थे कैप्टनशिप पे, हाशिम डार को क्यों इन्होंने गेंदबाजी नहीं दी, लेकिन कुछ अलग किया, मंसूर पांडो को 20वां ओवर दिलाया और पहली गेंद पे उन्होंने ओएस शाह को चलता किया है। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान पे आएगा, वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे वो अलग बात है। फिलहाल इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दर्शक भारी संख्या में इस मुकाबले में खड़े होकर अब मैच का आनंद ले रहे हैं। फुल सपोर्ट दोनों ही टीमों को। मंसूर पांडो आईपीएल लेवल का एक्सपीरियंस, आज किस और मैच करवट लेगा, कौन सी टीम बाजी मार पाएगी, और जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो मतलब जो रेड ये स्पॉट्स होते हैं वहां पे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। अगर आप देखिए लॉन्ग ऑन मिड विकेट्स के लेग, वो खिलाड़ी है जो कैच को छोड़ेंगे नहीं, जिनको मैग्नेट लगा के हाथों को। जी हाँ बिल्कुल, वसीम रजा की बात करें तो उनके पास वो जो चांस बनाए, क्या खूबसूरती के साथ अपने आप को वहां पर सिद्ध किया, साबित किया और कैच को अपने हाथों में ले लिया। और वही अगर बात करेंगे कप्तान की, जिस तरह से महनवाज पहले ही कहते आ रहे कि बेहतर से बेहतर कप्तानी उन्होंने की है। मंसूर पांडो एक बार फिर से इस ओवर में, यहां पर विकेट मिल सकती है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन बमुश्किल एक दो कदम गेंद उनसे आगे गिरी, रन आउट की सूरत में विकेट मिल सकता था, लेकिन तब तक वापस पहुंच चुके थे, एक रन पूरा किया। क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला इस समय एसएनडब्ल्यू में देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत। महनवाज चार गेंदें चाहिए 11 रन मैच जीतने के लिए, खूबसूरत गेंदबाजी मंसूर पांडो की, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, अपने ऊपर भरोसा जताया, 20वां ओवर खुद करने के लिए आए, हालांकि इस मैच में इन्होंने गेंदबाजी नहीं करी थी, लेकिन आसिफ आप सामना करेंगे मंसूर पांडो का, चार गेंदें 11 रन, बड़ा स्ट्रोक चाहिए, खूबसूरत गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, क्या रन आउट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल, मंसूर पांडो वहां पर रन आउट करेंगे। जश्न का माहौल इस समय बीच मैदान पे और पूरी तरह से क्रिकेट की विजय हुई है, तीन गिने 11 रन, मंसूर पांडो क्यों आईपीएल खेल गए हैं वो आज वो दिखा रहे हैं। जी हां ऑलराउंड परफॉर्मर आज के मैच के, बहुत खूबसूरत बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहे थे लेकिन बड़ा स्ट्रोक मारना चाह रहे थे, अंदरूनी किनारा लेने के बाद गेंद चली गई थी, विकेट को उठा के ले गई, लेकिन आज गेंदबाजी में जब उनको गेंद सौंप दी गई तो मानो मैच का रंग ही पलट के बदल दिया, बहुत खूबसूरत है गेंदबाजी कर रहे, विकेट दरकार थी, विकेट की जरूरत थी, विकेट की मांग थी, हाशिम डार भी वहां पर मौजूद थे, अगर बात करेंगे विकल्प के तौर पर हाशिम डार भी मौजूद थे और प्रमुख गेंदबाज है वो भी, और वो जो उनके पास एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी उसकी कमी नहीं है, वो मतलब बहुत बड़े कंपेनर सीजर कंपेनर है, लेकिन फिर भी कप्तान की दाद देना चाहूंगा, जिस तरह से मंसूर पांडो को गेंद थमाई गई और उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, यही एक कारण है कि वो नेशनल खेल के गए इंटरनेशनल के साथ। अगर आप इस मुकाबले की बात करेंगे जो टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, वो शिबिर लेफ्टी का रन आउट है, क्योंकि दर्देश गोनी ने कुछ अलग ही किया, कुछ अलग ही दृश्य किया, एमएस धोनी जिस तरह से रन आउट कर रहे थे बिना देखे वही किया दर्शित दर्देश गोनी ने, और वहां पे मैच को ग्रिप किया है हार्वर्ड टाइटंस ने, उसके बाद छोड़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। फिलहाल मंसूर पांडो नए बल्लेबाज, हालांकि नए बल्लेबाज नहीं है, आसिफ ही बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी करेंगे। मंसूर पांडो ने मात्र तीन गेंदों पे अभी तक एक ही रन दिया है, तीन गेंदें चाहिए 11 रन, इस गेंद पे बड़ा स्ट्रोक चाहिए, अगर इस गेंद पे छक्का आता है तो बात बनेगी, अगर दो गेंदें 11 रहे फिर मुश्किल रहेगा, दो गेंदें 11 रन मुश्किल रहेगा, इस गेंद पर छक्का आना चाहिए, यह कहना है महनवाज का। मंसूर पांडो और द स्टंप्स सामने, आसिफ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं, अपील भी की जाती है लेकिन इस अपील का भी कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, दो गिने 11 रन, अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैच में शिकंजा कस लिया है हार्वर्ड टाइटंस, लेकिन भूलिएगा मत, आप भूलिएगा मत, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, दो गेंद पे 10 रन चाहिए थे रविंद्र जडेजा ने किया, हालांकि वो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट है लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर 10 बनाएंगे तो टाई मैच, वहां जाने की जरूरत नहीं। यासिर कुलगामी एमकेटी का वो मुकाबला, आखिरी ओवर में 27 रन चाहिए थे और कुलगामी ने 28 बना डाले और आखिरी दो गेंदों पर इसी तरह की कुछ सिचुएशन थी और वो करके दिखाया। चलिए जी देख लेते इस गेंद पर क्या होता है, गेंदबाज मंसूर पांडो सामने, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, एक बड़े
अशोक के लिए। थर्ड मैन को काफी पीछे रखा गया है, ऑफ साइड पे चार खिलाड़ी जो है उन्होंने वो बांध के रखा है उन्होंने। मंजूर पाड़ो खुद फील्डिंग सजा रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पीछे, दो गेंदें 11 रन, बड़ा स्ट्रोक चाहिए। अगर ये गेंद डॉट रहती है तो मैच जीता हार्वर्ड टाइटंस ने, उसके बाद मात्र फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी। पूरी तरह से खड़े होके इस मुकाबले का आनंद ले रहे दर्शक। दो गेंदे 11 रन, आसिफ अली सामना करेंगे, मंजूर पांडो और द स्टंप्स, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए स्लोर वन और चकमा दिया। कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीता है हार्वर्ड टाइटंस ने, एक गेंद चाहिए 11 रन, लेकिन अब मात्र फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाएगा। हार्वर्ड टाइटंस एक्सपीरियंस अनुभव आज रास आई है। मैंने पहले ही ये जिक्र किया है कि एक्सपीरियंस आपको किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, मैदान में खेल के आप ये अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और वही यहाँ पे किया मंजूर पांडो ने। ओएस शाह जैसे बल्लेबाज के सामने 12 रन डिफेंड करना ये आसान बात नहीं है, लेकिन मंजूर पांडो क्यों स्टार है, क्यों वैली में इनका नाम सबसे ऊपरी क्रम पे है, वो इसी कारण से मात्र एक रन दिया पांच गेंद पे। और द स्टंप्स, इस बीच ओवर पिच गेंद, स्केलेक पीछे है, मुदसर इनको वहां पे गेंद को फील्ड करेंगे, और इसी के साथ विजय प्राप्त करिए यहां पे हार्वर्ड टाइटंस ने। और आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य बीच मैदान पे, पूरी तरह से क्रिकेट की विजय हुए यहां पे आज। पूरी तरह से हार्वर्ड टाइटंस के सेना का सेनानी वहां पे मौजूद था, मंजूर पांडो, वन मैन आर्मी, 12 रन इन्होंने डिफेंड किए हैं। मंजूर पांडो क्यों आईपीएल लेवल का क्रिकेट खेल चुके हैं वो आज एक बार फिर से उन्होंने दिखाया है। जैम पैकेट स्टेडियम SNW में, और बूम बूम सिनर्जी छठवें एडिशन का फाइनल अपने नाम किया है यहाँ पे हार्वर्ड टाइटंस ने। वसीम रजा, हाशिम डार, मंजूर पांडो जैसे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद थे, रिंकू सिंह, कुल मिला के अच्छा टीम एफर्ट और मैच जीता यहाँ पे जहांगीरदार। जी हाँ बिल्कुल, पैसा वसूल मुकाबला आप सबको देखने को मिला, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ बने रहे थे बुम बुम सुनार जी के ऊपर, हम उनका स्वागत करते और साथ में उनका शुक्रिया भी करना चाहेंगे। जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का सपोर्ट आज देखने को मिला वो बहुत बेहतर था, न सिर्फ आज ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी। ग्राउंड में बहुत सारे तमाशाई आप देख सकते हो, खचाखच भरा हुआ ये मैदान तमाशाई से, और इस मैच का आनंद लेने के लिए आए थे बहुत दूर दूर से लोग, तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आपको बताते चलिए, हार्वर्ड टाइटंस इस मैच में विजेता उन्होंने प्राप्त किए, बड़ा मुकाबला था और दरकार थी एक बेहतर परफॉर्मेंस की, और वो करके दिखाई। लेकिन गेम चेंजिंग मोमेंट वो मत भूलिएगा, शबीर लफ्ती का आउट होना और दर्देश गोनी का वो रन आउट कराना, क्या खूबसूरत वो पल थे। काफी कुछ दृश्य यहाँ पे देखने को मिले, गवर राशिद के वो अंतिम के दो ओवर्स, दर्देश गोनी का वो पीछे से रन आउट करना शिविर लैप्टी का, और अंतिम ओवर में 12 रन डिफेंड करना मंजूर पांडो के ओर से, काफी कुछ देखने को मिला इस मुकाबले में। दाद देने होगी साथ ही साथ बूम बूम सिनर्जी जैसे मैनेजमेंट को, वसीम निसार जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के, उन्होंने 64 टीमों का ये प्रतियोगिता करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया उनको भी कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ पूरी तरह से क्रिकेट की विजय हुई है यहाँ पे SNW के खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में, हार्वर्ड टाइटंस चैंपियंस ऑफ बूम बूम सिनर्जी 6th एडिशन। और आपको बताते चले, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन यकीनी तौर पर आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, और जो ही वो उसका आगाज होगा एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक दीजिए मेहनवाज और जहांगीरदार को इजाजत, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अल्लाह निगेबान, थैंक यू एवरीवन।